हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अपना फुल लेंथ टेस्ट, और आज इसका 44th टेस्ट था। तो आई होप आप सबका एग्ज़ाम अच्छा हो गया होगा। आइए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं। और ये सेशन है इस मिशन के तहत, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और ये मिशन है हमारे मेंटर डॉक्टर एस पी सिंह सर का। तो आइए इस नॉवल मिशन को पूरा करने के लिए सेशन शुरुआत की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला 101, हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट फॉर कॉकरोच। तो यहाँ पर कितनी मैचिंग करेक्ट है वो पूछा गया है। मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स एज वी ऑल नो 100 to 150 है। ये कहाँ पर होते हैं? ये मिडगट और हाइंड गट के जंक्शन पर। टेस्टिस दो हैं, ओवरी दो हैं, और ईच ओवरी इज मेड अप ऑफ 8 ओवेरियोल्स, 8 ओवेरियोल्स की बनी हुई है। तो ये सही दिया हुआ है। फीमेल प्रोड्यूस 9 to 10 ऊथिका, और एक ऊथिका में एग कितने होंगे? 14 to 16। और मोल्टिंग, मोल्टिंग अबाउट 13 टाइम्स। मोल्टिंग क्या होता है? शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन, ओल्ड एक्सोस्केलेटन, उसकी शेडिंग को बोलते हैं मोल्टिंग। तो ये 13 टाइम्स है, सही दिया हुआ है। तो बी सी डी एंड ई इज करेक्ट। तो यहाँ पर 101st का करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैट्रिक्स ऑफ विच सेल ऑर्गेनेल हैज सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, इफ यू आर एन ए 70S राइबोसोम एंड कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन किस में होगा? ये माइटोकॉन्ड्रिया में। और कहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन? ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, डबल में डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है ये। ये इसका मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स में होगा क्रेब्स साइकिल, मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल। और ये जो इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर इसके ईटीएस प्रेजेंट है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। 70S राइबोसोम्स भी है, इसीलिए राइबोसोम को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेल विद इन एन ऑर्गेनेल। और इसका अपना डीएनए है, इसका आरएनए है, तो इसलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस भी बोला जाता है, सेमी ऑटोनॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वुड यू यूज इफ यू आर आस्क्ड टू प्रमोट रैपिड इंटरनोड और पिटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट्स। तो इंटरनोड इलोंगेशन होगा तो जिब्रेलिन्स, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है? इन डीप वाटर राइस प्लांट्स। तो राइस प्लांट्स में एथिलीन का काम है, रूट हेयर फॉर्मेशन, रूट फॉर्मेशन, फ्रूट राइपनिंग, इन सब के लिए एथिलीन। तो 103 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया। आरएनए फंक्शन एज एडाप्टर एंड कैटालिटिक। तो टीआरएनए अगर होगा तो उसका कैटालिटिक एडाप्टर रोल होगा, कैटालिटिक अगर पूछा जाएगा तो राइबोसोमल आरएनए। और इसमें भी हम लोगों को पता है कि 23S राइबोसोमल आरएनए जो होता है ये किसके लिए? ये प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम का काम करेगा। और अगर यूकैरियोटिक सेल है तो 28S राइबोसोमल आरएनए ये कैटालिटिक का काम करता है। तो सही है स्टेटमेंट, डीएनए फंक्शन एज ए कैटालिटिक, ये गलत है। सेकंड, आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, सही है। तो 104 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड। 105, इन हीमोफीलिया सिंगल प्रोटीन दैट इज अ पार्ट ऑफ द कैस्केड ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड। तो हीमोफीलिया एज वी ऑल नो 3 तरीके का, ए बी और सी, ये सेक्स लिंक्ड है, ये ऑटोसोमल है। और यहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा अफेक्टेड होता है? 8, 9 and 11। तो सही दिया हुआ है ये। थैलेसीमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू विच चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज अफेक्टेड? अल्फा, बीटा और डेल्टा। 16, 11, 11 नंबर क्रोमोसोम पर है इनके जीन्स। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। 105 का करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग्स ऑन द सेम लाइन एज वी हैव स्टडीड इन द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर हैं जो सिंगल जीन डिसऑर्डर हैं और प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं, सही है। कलर ब्लाइंडनेस इज सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कोन ऑफ आई रिजल्टिंग इन फेल्योर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। तो 106 का भी करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट, नॉट ऑल करेक्टर्स शो ट्रू डोमिनेंस, सम करेक्टर्स शो इनकम्प्लीट एंड सम शो को डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस ये एक्सेप्शन है किसके? लॉ ऑफ डोमिनेंस के, जो मेंडल ने दिया था। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गैमिट्स आर थ्योरेटिकली रिप्रेजेंटेड इन ए स्क्वायर टेबुलर फॉर्म नोन एज पनेट स्क्वायर।
तो पनेट स्क्वायर क्या होता है, ये इस तरह से अगर है तो ये ऑफस्प्रिंग्स में जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जैसे कैपिटल टी प्रोबेबिलिटी है, या यहाँ पर देखा जाए तो स्मॉल टी प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अगर चार में से होमोजाइगस डोमिनेंट पूछा जाए तो कितना होगा, एक, तो 1/4 प्रोबेबिलिटी हुई। तो ये सही दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए थ्योरेटिकली रिप्रेजेंटेड इन ए स्क्वायर टेबुलर फॉर्म नोन एज पनेट स्क्वायर। तो यहाँ पर 107 का भी करेक्ट आंसर क्या होगा, 4th। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज नॉट इन्वॉल्व इन बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। नॉट इन्वॉल्व पूछा गया है करेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो ओसवाल्ड अवेरी, कोलिन मैकलियोड, मैकलिन मैकार्टी, इन्होंने कंक्लूड किया था कि दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, बट नॉट ऑल ऑफ द साइंटिस्ट वर कन्विंस्ड एट दैट टाइम। तो इसके बाद जो अनइक्विवोकल प्रूफ आया था, अनइक्विवोकल का मतलब ये निर्विवाद रूप से मान लिया गया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, वो किसका था, वो अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस का था। और जैकब एंड मोनॉड ये किससे रहे, ये इल्यूसिडेशन ऑफ लैक ओपरॉन। तो 4th यहाँ पर होगा, 108 इज 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काली खांसी और अदर नेम ऑफ विच डिजीज, काली खांसी इज अदर नेम ऑफ विच डिजीज। तो यहाँ पर डिफ्थीरिया गलघोटू है, लेप्रेसी, कुष्ठ रोग, टाइफॉइड और हुपिंग कफ को कॉमनली बोला जाता है काली खांसी। तो 109 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 4th। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर आईयूडीज, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इंट्रायूटराइन डिवाइसेस। IUDs are ideal contraceptive for the females who want to delay pregnancy and or space children. The hormone releasing IUDs in addition make the uterus unsuitable for implantation and the cervix hostile to the sperms. LNG20 is a type of copper releasing IUD and IUD is used as emergency contraceptive. So emergency contraceptives unprotected intercourse mein use kiya jayega within 72 hours sahi hai. IUDs bhi use kar sakte hain, pills bhi use kar sakte hain. The hormone releasing IUDs in addition make the uterus unsuitable for implantation and the cervix. सही है, mechanism of action इसका IUD का, IUDs are ideal contraceptive, तो ये भी सही है। LNG20 ये copper releasing नहीं, ये hormone releasing है, progesterone, synthetic progesterone, levonorgestrel, 20 microgram per day release करता है। How many are the correct match? तो emergency contraceptives, IUDs, बैरियर मेल कॉन्डोम्स, बैरियर सर्वाइकल कैप, ART, गिफ्ट, AI, तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, गिफ्ट एंड AI, बैरियर इज सर्वाइकल कैप एंड बैरियर इज मेल कॉन्डोम्स एंड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इज IUD। तो 111 का करेक्ट आंसर ये सारे ही सही हैं। 4th, गिफ्ट में गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गैमिट्स ट्रांसफर किए जाएंगे मेल एज वेल एज फीमेल गैमिट्स, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, स्पर्म्स पहुंचाए जाएंगे इंट्रावेजाइनली या इंट्रायूटराइन, फिर बैरियर सर्वाइकल कैप्स मेथड फीमेल में यूज होता है, मेल कॉन्डोम्स बैरियर फॉर मेल्स एंड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव IUDs कैन बी यूज्ड। ये पीछे भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। मेथड इन विच फॉरेन DNA इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इन द न्यूक्लियस, तो डायरेक्ट इंजेक्शन किसका, माइक्रो इंजेक्शन, जीन गन ट्रांसफॉर्मेशन या नन ऑफ दीज। तो डायरेक्टली इंजेक्टेड, दिस इज माइक्रो इंजेक्शन, और ये किसके लिए है, ये एनिमल्स के लिए, जीन गन मेथड या बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड ये प्लांट्स के लिए है। प्रोडक्शन ऑफ ए ह्यूमन प्रोटीन इन बैक्टीरिया बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज ह्यूमन क्रोमोसोम कैन रेप्लिकेट, द मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन इज आइडेंटिकल, बैक्टीरियल सेल कैन कैरी आउट द RNA स्प्लाइसिंग रिएक्शन, द जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल। ह्यूमन प्रोटीन कि बैक्टीरिया में सिंथेसिस कर सकते हैं, जैसे इंसुलिन का हुआ था ईकोलाई में, और किस वजह से पॉसिबल है, क्योंकि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है। UUU है तो वो फेनिल एनालिन के लिए, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक हो, सेम अमाइनो एसिड के लिए ही कोड करेगा। स्टेटमेंट 1, अल्फ्रेड स्टोर्टवेंट यूज द फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोजोम एज ए मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स एंड मैप देयर पोजिशन ऑन द क्रोमोजोम्स। द सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोजोम एंड इंडिविजुअल रिसीव्स। तो 114 का करेक्ट आंसर, यहाँ पर दोनों ही सही है,
अल्फ्रेड स्टोर्टिवेंट जो मॉर्गन की स्टूडेंट थी, इन्होंने यूज़ किया था मेजर ऑफ डिस्टेंस और इनको मैप किया था जीन की पोजीशन। द सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी, तो यहाँ पर कौन सा हैप्लो डिप्लॉयड टाइप का है। अगर ड्रोन्स की बात की जाए, मेल ड्रोन्स की, तो ये अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होते हैं। क्रोमोसोम नंबर होगा 16। और अगर वर्कर बीज या फीमेल्स की बात की जाए, क्वीन की बात की जाए, तो वो कैसे होंगे, वो फर्टिलाइज्ड एग से, क्रोमोसोम नंबर होगा 32, यहाँ पर 16। और इस प्रोसेस को बोला जाएगा पार्थेनोजेनेसिस। तो 114 का करेक्ट आंसर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 115। ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशन इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न, इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक वर अप्लाइड टू प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी। मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स इन द गार्डन पी प्लांट दैट वर मैनिफेस्टेड एज टू अपोजिट ट्रेट्स, जैसे हाइट का अगर लिया जाए कैरेक्टर तो टॉल और डॉफ प्लांट्स। तो 115 का भी करेक्ट आंसर यहाँ पर फोर्थ, दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द नॉमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द फर्स्ट लेटर एंड द सक्सेसिव टू लेटर्स डिनोट। तो अगर ई को आर वन की बात की जाए, तो यहाँ पर ई जीनस हो गया, सीओ कोलाई हो गया, आर वाई स्ट्रेन हो जाएगा, और वन ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। तो 116 का करेक्ट आंसर यहाँ पर थर्ड, जीनस एंड स्पीसीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स और एलोपैट्रिक स्पीसीज और सिम्पैट्रिक स्पीसीज के बारे में दिया हुआ है। तो एलोपैट्रिक स्पीसीज स्पीसीज डेवलप्ड एंड अकरिंग इन एन एक्सक्लूसिवली ज्योग्राफिकल एरिया। तो यहाँ पर क्या होगा, दो स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा, ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड हो जाएंगे, बैरियर हो जाएगा, फिजिकल बैरियर, जिसकी वजह से नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होगी। सिम्पैट्रिक स्पीसीज डेवलप ड्यू टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड फाउंड इन ओवरलैपिंग और सेम एरिया। ये जो नई स्पीसीज डेवलप होगी, ये विद इन दैट ओरिजिनल स्पीसीज, इसी के अंदर डेवलप होगी, जेनेटिक चेंजेस की वजह से होगी। तो ये सिम्पैट्रिक के बारे में भी सही दिया हुआ है, एलोपैट्रिक स्पीसीज के बारे में भी सही दिया हुआ। तो 117 को करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इंक्लूड्स, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या क्या है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सबसे पहले आइसोलेशन किया जाएगा, सेल वॉल वगैरह को डाइजेस्ट किया जाएगा, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और सेपरेट किया जाएगा डीएनए फ्रेगमेंट्स को। टेक्निक इनिशियली डेवलप्ड बाय एलेक जेफरीज। तो ये सारे ही यहाँ पर इंक्लूडेड है। 118 इज फोर्थ। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म इन विच सेल वॉल इज एब्सेंट। तो 119 में कितने में सेल वॉल एब्सेंट है। तो सेल वॉल किस में एब्सेंट है, एनिमेलिया के जो मेंबर्स हैं उनमें, किंगडम एनिमेलिया में, या प्रोटोजोअन्स में, या फिर प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर्स में, प्रोटिस्टा प्रोटोजोअन्स इसी में इंक्लूडेड है, और इसके अलावा माइकोप्लाज्मा जो आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो बैक्टीरिया, ट्राइकोडर्मा, सी फैन, पेनेटुला, सी फैन इज गार्गोनिया, साइकस स्पायरोवारा, अल्टरनेरिया फंगस है, म्यूकर, ट्रिपैनोसोमा, अमीबा, प्लाज्मोडियम, एंट अमीबा, इतने में ये नहीं होगा। हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म इन दिस सेल वॉल इज एब्सेंट। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 इन विच सेल वॉल इज एब्सेंट। तो ट्राइकोडर्मा, स्पायरोगायरा, अल्टरनेरिया, म्यूकर, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपैनोसोमा भी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 119 का क्या होगा, फोर्थ, 6 में यहाँ पर एब्सेंट है। नेक्स्ट, व्हाट डज टिश्यू कल्चर मीन, इट वॉज लर्न बाय साइंटिस्ट ड्यूरिंग दैट होल प्लांट्स कुड बी रीजनरेटेड फ्रॉम एक्स प्लांट। फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस। तो 120 का करेक्ट आंसर यहाँ पर 1950s में, इन 1950s। तो 120 इज थर्ड। नेक्स्ट, इन फ्लावरिंग प्लांट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 800 मेल गैमिट्स, 800 मेल गैमिट के लिए हाउ मेनी पॉलन मदर सेल, पॉलन ग्रेन्स एंड नंबर ऑफ मियोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड रिस्पेक्टिवली। तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 800 मेल गैमिट्स, तो एक अगर
पॉलन मदर सेल लिया जाए, एक पॉलन मदर सेल अगर है तो इसकी जब मियोसिस होगी, एक मियोसिस जब यहाँ पर होगी तो उससे चार माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, और ये माइक्रोस्पोर्स किस में चेंज होंगे, पॉलन ग्रेन्स में, तो चार पॉलन ग्रेन हो गए, और 800 फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 800 मेल गैमेट्स, और एक पॉलन ग्रेन में दो मेल गैमेट्स होंगे। तो नंबर ऑफ मियोटिक डिविजन्स कितने चाहिए, 800 मेल गैमेट के लिए, मतलब अगर दो मेल गैमेट्स बनाने, दो मेल गैमेट्स तो यहाँ पर चार पॉलन ग्रेन बने, तो चार में कितने हो जाएंगे, आठ मेल गैमेट, एक मियोटिक डिवीजन से आठ मेल गैमेट्स बन रहे हैं, तो 800 के लिए कितने हो जाएंगे, 800 के लिए 100 मियोसिस। और उसके बाद पूछा गया है हाउ मेनी पॉलन मदर सेल, पॉलन ग्रेन्स एंड नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन्स, पॉलन मदर सेल इसके लिए कितनी चाहिए, तो पॉलन मदर सेल में भी 1:8 का रेशियो है, तो मतलब 100 पॉलन मदर सेल्स भी चाहिए, और पॉलन ग्रेन्स में कितना है, 4 और 8, मतलब 4:8, मतलब 1:2 का रेशियो, तो यहाँ पर 400, तो 100, 400 एंड 100, 121 का करेक्ट आंसर यहाँ पर फर्स्ट। पॉलन मदर सेल एक थी और इससे कितने बन रहे थे, 8 मेल गैमेट्स बन रहे थे, तो 1:8 का रेशियो है, मतलब 8 अगर मेल गैमेट्स बनाने हैं तो एक पॉलन मदर सेल, तो 800 के लिए कितने हो जाएंगे, 100। फिर यहाँ पर अगर देखा जाए पॉलन ग्रेन्स को, तो पॉलन ग्रेन्स कितने बनते हैं, एक मियोसिस में चार पॉलन ग्रेन बनते हैं, तो 4 और 8, एक पॉलन ग्रेन में 2 है, तो 1:2 का रेशियो, तो 400 अगर होंगे तो हमारे पास 800 मेल गैमेट बन जाएंगे। और इसके बाद मियोटिक डिविजन्स, तो नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन में 1:4 का रेशियो, तो यहाँ पर 1:8 का रेशियो, 8 मेल गैमेट्स बने ना, तो इसलिए 1:8 का मतलब 100। द बेस्ट स्टेज टू व्यू स्ट्रक्चर साइज एंड टू काउंट द नंबर ऑफ क्रोमोजोम, द बेस्ट स्टेज टू व्यू स्ट्रक्चर साइज एंड टू काउंट द नंबर ऑफ क्रोमोजोम, तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम काउंट करने के लिए बेस्ट स्टेज कौन सी होगी, मेटाफेज। मेटाफेज में मैक्सिमम कंडेंसेशन हो जाएगा, मैक्सिमली कंडेंस होगा, तो स्ट्रक्चर साइज एंड नंबर के लिए बेस्ट है, 122 इज फर्स्ट। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, ड्यूट्रोमाइसिटी इज नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई बिकॉज ओनली द सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दीज फंजाई आर नोन, बिकॉज ओनली द सेक्सुअल, ये नहीं है यहाँ पर, सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट है इसीलिए इम्परफेक्ट है, तो गलत हो गया। कोनिडियन बेसिडियो स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजेनसली, ये सही है, तो 123 का करेक्ट आंसर, थर्ड स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर आर्किगोनियो 4 एंड 3DO4, आर्किगोनियम एंड राइजोइड्स, तो 124, आर्किगोनियो 4 आर्किगोनिया बियरिंग स्ट्रक्चर एंड 3DO4 एंड 3DO बियरिंग स्ट्रक्चर, आर्किगोनियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, राइजोइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर, तो ये गैमेटोफाइट में ही होंगे, तो ऑल आर हैप्लोइड स्ट्रक्चर, सही है, ऑल आर गैमेटोफाइट्स, सारे के सारे गैमेटोफाइट्स हैं, इट इज प्रेजेंट इन लिवरवॉर्ट्स, ऑल आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, राइजोइड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, तो ऑल आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स गलत है, लिवरवॉर्ट्स में प्रेजेंट है सही है, ब्रायोफाइटा में लिवरवॉर्ट्स, हॉर्नवॉर्ट, लिवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और ऑल आर गैमेटोफाइट्स, ये सारे गैमेटोफाइट्स के ही पार्ट हैं, तो ए बी एंड सी, क्वेश्चन नंबर 124 करेक्ट आंसर शुड बी फोर्थ। नेक्स्ट, इफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट्स राइट साइड, दिस कंडीशन मे बी द रिजल्ट ऑफ, तो ये सिग्मॉइड शेप होगा, और अगर राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है, राइट की तरफ ये शिफ्ट हो जाए टुवर्ड्स राइट, तो इसका मतलब डिसोसिएशन बढ़ गया, डिसोसिएशन कब बढ़ेगा, जब टिश्यू साइड पर होगा, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रही हो, तो हाई PCO2 और हाई PCO2 होगा तो एच आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि CO2 प्लस H2O ये H2CO3 बनाएगा, और H2CO3 ये डिसोशिएट होगा, तो एच आयन प्लस CO3 माइनस, एच आयन प्लस HCO3 माइनस, तो यहाँ पर एच आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा, और एच आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा मतलब pH कम होगा, तो इसका करेक्ट आंसर
होना चाहिए फोर्थ, बोथ टू एंड थ्री, 125 इज फोर्थ. सो दिस इज ऑल आई हैड फॉर यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग. और इसके बाद सेशन अब कंटिन्यू करेंगे मनीष सर. थैंक यू सो मच. तो फ्यूचर डॉक्टर्स, आप लोगों ने डिस्कस कर लिया होगा शैलेंद्र सर के जरिए 101 टू 125, 126 से हम डिस्कस कराएंगे. प्यारे बच्चों, ये आपका फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज, टेस्ट नंबर है 44. बच्चों आपको मालूम होगा कि इस समय आपका एग्जाम, आज समझ लीजिए आज 5 तारीख हो गई, यानी 5 अप्रैल हो गया. डिट्टो आपका 1 महीना बचा हुआ है, क्योंकि आज अगले महीने के 5 तारीख के दिन आज आप पेपर दे रहे होंगे. तो जाहिर सी बात है तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और मुझे लगता है तैयारी अच्छी करने के लिए फुल सिलेबस टेस्ट से बेटर कुछ है नहीं. आप टेस्ट दीजिए, सोल्यूशन देखिए, अपने एरर्स को आइडेंटिफाई करिए, उस टॉपिक को एक बार पढ़ लीजिए. बस यही करना है आपको एग्जाम तक, क्योंकि भाई अल्टीमेटली चाहे कितनों भी पढ़ाई कर लो, देना है एग्जाम ही. तो चलिए हम लोग तरीके भी ढूंढेंगे कि क्वेश्चन को कितना आसान बनाया जाए और जल्दी क्वेश्चन किया जाए. व्हाट फंक्शन आर परफॉर्म्ड ड्यूरिंग फोटोकेमिकल फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो फोटोकेमिकल फेज, तो देखिए फोटोकेमिकल फेज मतलब कि लाइट रिएक्शन की बात कर रहा है. फोटो मतलब क्या होता है, लाइट, केमिकल मतलब कुछ बनेगा. तो लाइट रिएक्शन में लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर की स्प्लिटिंग होगी, और इलेक्ट्रॉन एक्साइटमेंट होंगे जिनका डाउनहिल ट्रांसपोर्ट भी होगा. तो सारी बातें क्या होगी बेटा, सही आंसर हो जाएगा 126 का 4. कितना आसान रहा बच्चों, फोटोकेमिकल दिया है, लाइट रिएक्शन दिया रहता तो हर बच्चा कर ले जाता. अब बेटा याद एक क्वेश्चन और बनता है कि वाटर की स्प्लिटिंग कौन कौन से एलिमेंट में होती है, तो एमन और सीएल की प्रेजेंस में. दूसरा पूछा जा सकता है कि कौन से फोटो सिस्टम में होती है, तो फोटो सिस्टम 2 के ग्रेना थैलाकॉइड के इनर साइड में. ग्रेना थैलाकॉइड में फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों पाया जाता है, ध्यान रखिएगा. प्लेटी हेलमेंथिस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. प्लेटी हेलमेंथिस हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम. जरा देखते हैं प्लेटो हेलमेंथिस में, जैसे टिश्यू लिया तभी ही गलत हो गया था, पढ़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि टिश्यू लेवल पाया जाता सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में. बाकी ऑर्गन सिस्टम ट्रिप्लोब्लास्टिक होना चाहिए था, इसलिए गलत हो गया. एनसीईआरटी जब लैंग्वेज लिखती है तो ऑर्गन लिखती है, ध्यान रखना ऑर्गन लेवल. लेकिन जब आपका चार्ट बनाती है चैप्टर के अंत में, तो वहां पे ऑर्गन सिस्टम मेंशन करती है. ए बेटा सिलेंट्रेटा के बारे में बोला गया है, आपने लिखा है प्लेटी हेलमेंथिस, इसलिए गलत हो जाएगा. सिलेंट्रेटा में सिंगल ओपनिंग होती है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पाई जाती है, माउथ ऑन हाइपोस्टोम पाया जाता है. तो दोनों बातें गलत होने के कारण आंसर हो जाएगा आपका बेटा फर्स्ट, ठीक है ना. द विच आर्गुमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी और ऑब्वियस, ह्यूमन डराइव काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम नेचर, फूड, सेरल पल्सेस, मतलब डायरेक्ट हमें बेनिफिट है, ये कौन से आएगा. तो भैया अगर हम डायरेक्ट फायदा देखते हैं तो हमको, तो मुझे कैसे याद रहता है, मुझे याद रहता है कि नैरो माइंड एंड ब्रॉड माइंड. नैरो माइंड मतलब संकीर्ण सोच, जो अपना फायदा देखे, डायरेक्ट बेनिफिट. ब्रॉड माइंड मतलब जो सबका फायदा देखे. तो यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट है तो कैसा हो जाएगा, नैरोली यूटिलिटेरियन. अगर हम देखते कि भाई आप ये ब्रॉड वे में देखते कि डायरेक्ट बेनिफिट ना देखते, भाई ऑक्सीजन देता है सबको, रहने का घर देता है, तो उस हिसाब से देखते तो ब्रॉडली में आ जाता. और एथिकल में क्या शब्द देखेंगे तो आपको करना पड़ेगा, एथिकल में ऐसा आ जाए जैसे फीलिंग एंड नैतिकता का बात किया जाए कि भाई ये भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे हमको जीने का अधिकार है वैसे उनको है, तो एथिकल इश्यूज में आ जाता है. और ये आपके रीजंस होते हैं जिनके कारण हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए. ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में जैसे पॉलिनेशन, ये डायरेक्ट आपको बेनिफिट तो नहीं दिखता है, क्योंकि किसान नहीं जानता कि भाई ये इंसेक्ट जो पॉलिनेशन करता है तभी हमारे खेतों में पैदावार होती है. ऐसे ही आपको पता है पेड़ों से हवा निकलती है, कोरोना काल में कईयों ने देखा, जैसे कि 20% ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है बेटा, लंग्स ऑफ द प्लैनेट, जिसका नाम था ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, साउथ अमेरिका, ब्राजील. द कोलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड बाय ह्यूमन इज सेड टू हैव लेड टू एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन स्पीसीज.
तो कहते हैं हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन मेजर कॉज होता है आपका किसका, स्पीसीज के एक्सटिंक्शन का। तो कहते हैं ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड में जब ह्यूमन की कॉलोनी बनी तो कितने बर्ड स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई। तो बर्ड तो मैंने बोल ही दिया, तो बेटा याद होना चाहिए 2000 से ज़्यादा, मोर देन 2000 और भी किसकी थी, बर्ड्स की स्पीसीज क्या हो गई थी, एक्सटिंक्ट हो गई थी। डेटा है याद करिएगा, द रेड डेटा बुक, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेड। तो रेड तो एक प्रकार का क्या बेटा, सिग्नल है, साइन है। जैसे आपका सिग्नल पे रेड मतलब क्या था, डेंजर, खतरा। तो सिंबल ऑफ डेंजर दैट स्पीसीज एक्सपीरियंस थ्रू आउट द ग्लोब। ब्लड ये सब तो नहीं होगा, यहाँ पे डेंजर दिखा जाता है, आपका डेंजर का लेवल भी होता है जिसमें आता है CR, EN एंड VU, और जिसमें आपको सबसे ज़्यादा कहते हैं हाई, एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन क्रिटिकली एंडेंजर्ड होगा, वेरी हाई रिस्क होगा तो एंडेंजर्ड, हाई रिस्क शब्द आएगा तो वनरेबल। द रिंग अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो बेटा रिंग में तो आपका स्टेम में आएगा, वो भी किसमें, डाइकॉट स्टेम में, मोनोकॉट स्टेम में, स्कैटर्ड होगा, बिखरा हुआ होगा। एक तो बनाए, दूसरा दोनों में जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियल पे आ जाता है यानी कंजॉइंट, लेकिन डाइकॉट में कैसा होगा, ओपन, सेकेंडरी ग्रोथ होगी, और मोनोकॉट में कैसा होगा, क्लोज्ड। काम खत्म। तो वैस्कुलर बंडल मोनोकॉट में स्कैटर्ड बिखरे हुए होते हैं, अरेंजमेंट व्यवस्था कैसी है, यहां पे रिंग में होंगे, यहां पे फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम पाई जाती है यानी ओपन है, और यहां पे नहीं पाई जाती तो क्लोज्ड हो जाता है, ठीक है। अब एक और अरेंजमेंट होता है जिसको बोलते हैं रेडियल, एक रेडियस पे फ्लोएम तो दूसरे पे जाइलम, और एक इसमें पाया जाता है रूट। तो रूट में वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट कैसा होता है, रेडियल होता है, ये हो गया पहला। अब रेडियल के साथ साथ अब जाइलम और फ्लोएम के पैचेस कैसे होते हैं, संख्या के बेसिस पे भी मोनोकॉट और डाइकॉट को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर 2-4 मैक्सिमम 6 तक हो यानी डाइआर्च टू टेट्रार्च या हेक्सार्च हो तो डाइकॉट रूट होगा। और बेटा अगर पॉलीआर्च शब्द आ जाए यानी कि ये हो गया मोनोकॉट रूट, यानी 6 से ज्यादा ही पाया जाएगा। तो अब मुझे लगता है कि वैस्कुलर बंडल और उसमें अरेंजमेंट के बेसिस पे आप डाइकॉट मोनोकॉट रूट और स्टेम को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक और है एक्सार्च और इंडार्च कंडीशन। अगर प्रोटोजाइलम पेरीफेरी पे पाया जाएगा तो एक्सार्च रूट में पाया जाएगा, और पिथ या मेडुला के सेंटर में होगा तो इंडार्च या डाइकॉट स्टेम में पाया जाएगा। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, कॉकरोच आर पेस्ट बिकॉज दे स्पॉयल फूड एंड कॉन्टामिनेट इट विद देयर स्मेली एक्सक्रीटा। इन मेल कॉकरोच अ पेयर ऑफ स्पर्मेटिका इज प्रेजेंट इन द सिक्स्थ सेगमेंट विच ओपन्स इनटू द जेनाइटल चैम्बर, ठीक है ना। तो बेटा आपको पता है कॉकरोच पेस्ट तो है, सीरियस पेस्ट है, ह्यूमन के हाउस होल्ड का है। और प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं कि जो कॉकरोच होता है फूड को खराब कर देता है और उसको कंटामिनेट संक्रमित कर सकता है वायरस बैक्टीरिया फंजाई इन सब चीज़ों से, और जहाँ रहता है वहाँ पे उनका स्क्रेटर कैसा होता है, स्मेली होता है, कॉकरोच रात्रिचर होता है, ये भी याद रखिएगा। मेल कॉकरोच में बेटा आपका अ पेयर ऑफ स्पर्मेथिका, पहले बताइए स्पर्मेथिका समझिए क्या है। स्पर्मेथिका मतलब वह कटोरा यानी वह पाउच जहाँ पे स्पर्म स्टोर किए जाते हैं। तो स्पर्म देखिए फीमेल के अंदर जब मेल स्पर्म डालेगा वो भी लड्डू के रूप में जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोफोर, वो फीमेल में स्टोर होता कहाँ पे बेटा आपका स्पर्मेथिका में। तो पहली बात तो स्पर्मेथिका कहाँ पाया जाएगा, फीमेल में, इसलिए मेल की वजह से गलत हो गया, ठीक है ना। तो पहला सही दूसरा गलत आंसर हो जाएगा सेकंड। कॉकरोच में याद रखिएगा जेनाइटल चैम्बर में,
स्पर्मेथिकल पोर, कोलेटेरियल ग्लैंड एंड फीमेल गोनोपोर ए पाया जाएगा। और सेगमेंट याद कर लीजिएगा, फीमेल है तो एफ से उल्टा कर दोगे सेवन, तो सेवंथ स्टर्ना सब साथ साथ रहेगा। ये बोट सेव्ड हो जाएगी अलोंग विद एट्थ एंड नाइन्थ, ये क्या बना देगी, फीमेल जेनाइटल पाउच, जबकि मेल में नाइन्थ और टेंथ टर्गा जो डार्साइड होता, डार्सल होता है, और नाइन्थ स्टर्ना ये बनाएगा मेल ब्रूड पाउच या जेनाइटल पाउच। डार्सल साइड क्या होगा, एनस की ओपनिंग, और यहां पे मेल गोनोपोर। इन मेल फ्रॉग वासा एफरेंसी आर 10 टू 12 इन नंबर दैट अराइज फ्रॉम टेस्टिस, दे इंटर द किडनीज ऑन देयर साइड एंड ओपन इनटू। तो बेटा 133 का अगर आपको देखना हो तो पहले आप स्पर्म का पाथवे याद कर लीजिए। तो एक फार्मूला याद कर लीजिएगा, टेक बक, क्या हो गया बेटा, टेक बक। चलिए देखते हैं, ए है टेस्टिस, स्पर्म कहां बनेगा, टेस्टिस से निकलेगा, कहां से, वासा इफरेंसिया। और सर ये होता है संख्या 10 से लेके 12, ठीक है ना। के से आएगा किडनी, फिर कहां जाएगा, किडनी, कौन से कैनाल में, बिडर्स कैनाल। इसके बाद ये बेटा आपका आगे बढ़ेगा यूरोजेनाइटल डक्ट, और बेटा लास्ट में खुलेगा क्लोएका। क्लोएका में आपका एस्क्रिटरी प्रोडक्ट भी आ सकता है, और यानी कॉमन चैम्बर फॉर डाइजेस्टिव एस्क्रिटरी एंड रिप्रोडक्टिव, तीनों के लिए कॉमन हो जाएगा। अब देखिए कहां से कर रहा है कि वासा एफरेंसिया अराइज फ्रॉम टेस्टिस, कहां इंटर कर चुका, किडनी ऑन देयर साइड, किडनी दो होंगे दोनों साइड पे होगा। अब किडनी के बाद कहां ओपन होगा, तो देखिए इस फार्मूला से कितना आसान हो गया, टेस्टिस से निकला वासा एफरेंसिया, 10 से 12 संख्या में किडनी दोनों तरफ के इंटर किया, अब वहां से कहां जाएगा, बी पे, बी से बोले बिडर करना, बताओ कितना आसान रहा आपके लिए, आंसर हो जाएगा पहला। मुझे लगता है कि आप ऐसे नहीं याद करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो बोलिए ये फार्मूला याद रहेगा ना, टेक बग फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए। ये किसका फार्मूला है, स्पर्म पाथ का, और सर टेस्टिस में ही स्पर्म बनता है, उम्मीद करते हैं आंसर निकल आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन जाते हैं। इन 1838 मैथियस स्लाइडन अ जर्मन बॉटनिस्ट एग्जामिन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट आर कंपोज ऑफ डिफरेंट टाइप काइंड्स ऑफ सेल विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। सही है भाई, 1838 में होगा, मैथियस स्लाइडन होगा, जर्मन बॉटनिस्ट होगा, प्लांट को स्टडी किया था और प्लांट सेल टिश्यू बनाएगा। 1839 में ब्रिटिश जूलॉजिस्ट स्वान थे, थियोडोर स्वान, एनिमल सेल को देखा और उसकी बाहरी थिन लेयर जो हम आज के डेट में जिसको क्या मानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन्होंने प्लांट सेल को भी देखा, उसकी बाहरी लेयर थी सेल वॉल, और ये भी बताया कि बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, सेल थ्योरी को एज ए हाइपोथेसिस दिया था। तो ज्यादा काम कौन किए थे, स्वान साहब, तो दोनों बातें सही हैं, आंसर हो जाएगा 134 का 4। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे एक नई सेल बनती है, उसको बताने में 1855 में आ गए थे बेटा आपका रुडोल्फ वर्साव, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया, एक्सटेंड किया। और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल प्रोब, प्रोब होता है बेटा, एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को भेजिए, रेडियो एक्टिव होगा, अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या आरएनए से जुड़ जाएगा। अब भैया इससे क्या हो जाएगा, जहां जहां जुड़ेगा वहां वहां क्या आएगा, रेडियो एक्टिविटी। इसी को अब हमको रेडियो एक्टिव को कैसे डिटेक्ट करोगे, एक्सरे यानी ऑटो रेडियोग्राफी। चलिए एमआरआई सेफेस्ट मेथड होता है कैंसर के डिटेक्शन में, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, दो सोमैटिक कोशिकाओं का फ्यूजन इज कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन या प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। जैसे कि पोमेटो, पोटैटो एंड टोमेटो,
और इसके लिए यूज किया जाता है केमिकल पीजी पॉलीएथाइलीन ग्लाइकॉल। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रेट्रोवायरसेस में देखने को मिलता है, और सर आपके रेट्रोवायरसेस आरएनए होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड, और एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। 136 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन, अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विद इन अ कॉमन जीन पूल इज कॉल्ड एज डीमी। एक्चुअली डीमी शब्द आपके लिए नया होगा, याद कर लीजिएगा, पॉपुलेशन से छोटा। अभी समझाते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कोई एक एरिया है, यहाँ पे ढेर सारे इंडिविजुअल्स रह रहे होते हैं, तो समझ लो इनमें अब ये पूरा पॉपुलेशन कहलाएगा। अब इनमें से कुछ लोग आपस में शादी वाला समझो संबंध रख रहे हैं, मतलब कि आपस में ही ब्रीड कर रहे हैं, एक पॉपुलेशन आइसोलेट हो गई ब्रीडिंग के टर्म में, आइसोलेशन ऐसे समझिए। ऐसे समझ लीजिए यहाँ पे कि एक काले लोग रह रहे थे और एक गोरे लोग रह रहे थे, पॉपुलेशन ह्यूमन की ही थी, लेकिन काले लोगों ने आपस में शादी करने का निर्णय ले लिया ब्रीडिंग करने का, और जो गोरे लोग थे आपस में निर्णय ले लिए, तो इससे क्या हो जाएगा, ये ब्रीडिंग में आइसोलेट हो गए, तो है एक ही पॉपुलेशन के मेंबर, यानी सब पॉपुलेशन कहलाएगी। या ऐसे समझ सकते हो, हाइट में भी हो सकता है, मतलब सेम कॉमन जीन पूल आ जाएगा, एक जैसे प्रवृत्ति के लोग एक साथ आएंगे और आपस में ही रहना पसंद करेंगे, इस तरह का फीलिंग समझ लीजिए। तो पॉपुलेशन से छोटा होगा, कॉमन जीन पूल होना चाहिए, और एक स्पीसीज का ही कलेक्शन होता है डे में, तो दोनों बातें सही है, याद रखिएगा। अगर मोटा मोटा कहा जाए तो व्हाट इज डे में, तो सब पॉपुलेशन विद कॉमन जीन पूल। द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाई अ चेंज इन द कंडीशन विच कैन अल्टर द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। वेन द बाइंडिंग ऑफ द केमिकल शट्स ऑफ एंजाइम एक्टिविटी द प्रोसेस इज कॉल्ड इनहिबिशन एंड द केमिकल इज कॉल्ड एन इनहिबिटर। तो 137 में बेटा अगर आप देखें, तो अगर हम देखें कि एक्टिविटी ऑफ एंजाइम में अगर हम देखें कि टेम्परेचर बढ़ा दो तो टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्योंकि आपको पता होगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी में मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो होता है टर्शियरी में होता है, एक्टिविटी किस में होती है, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। टर्शियरी स्ट्रक्चर जब गड़बड़ हो जाएगा तो फायदा नुकसान क्या होगा, क्योंकि आपको पता है टर्शियरी स्ट्रक्चर में जब आपके इनफोल्डिंग होती है तो मेनी क्रिवाइसेस पॉकेट्स बनते हैं, और वहीं पे आपका सबस्ट्रेट फिट होता है जिसको बोलते हैं एक्टिव साइट्स। तो एक्टिव साइट रहेगा नहीं तो काम नहीं होगा, तो बिल्कुल सही है। आग इसी किसी एंजाइम पे उसके एक्टिव साइट पे कोई केमिकल जुड़ जाए तो जाहिर सी बात है सबस्ट्रेट जुड़ेगा नहीं, और जब सर सबस्ट्रेट नहीं जुड़ेगा तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट बनेगा नहीं, तो एंजाइम क्या हो जाएगा, इनहिबिट, और उस केमिकल को बोलते हैं इनहिबिटर। अगर ये इनहिबिटर एक्टिव साइट से जुड़ता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पेटिटिव इनहिबिशन। कब, जब एक्टिव साइट से जुड़ेगा, लेकिन अगर अदर देन एक्टिव यानी एलोस्टेरिक शब्द आ जाए तो आप क्या कहेंगे, एलोस्टेरिक आ जाए तो इसको बोलते हैं नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन। दोनों बातें सही है, आंसर हो जाएगा फोर्थ। द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर कॉल्ड। तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर लेफ्ट और राइट किससे कनेक्टेड होता है, हर बच्चे को पता, कार्पस कैलोसम। और बेटा ये मैमेलियन ब्रेन का फीचर है, तो रेप्टाइल का ब्रेन है कि किसका है, अगर आपको बताना है तो कार्पस कैलोसम के बेसिस पे बता सकते हैं। सेरेब्रल एक्वाडक्ट फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन को कनेक्ट करता है, मिड ब्रेन का पार्ट होता है। एसोसिएशन एरिया आपके सबसे बेटर एरिया होते हैं, जितने भी आप जजमेंट इंटरप्रिटेशन मेमोरी सब किस में आते हैं, एसोसिएशन एरिया में। ना तो मोटर होते हैं ना तो सेंसरी होते हैं, सेंसरी से इंफॉर्मेशन लेते हैं और मोटर को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। द एफ नॉट हेडपीस इज अ पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एंड कंटेन्स द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फास्फेट। एफ वन इज एन इंटीग्रल पार्ट। देखिए बेटा कुछ नहीं किया गया है, एक्चुअली उल्टा कर दिया गया है, यहाँ पे होना चाहिए था एफ नॉट, यहाँ पे होना चाहिए था एफ वन। अब हमें कैसे समझ में आएगा, एफ नॉट ना जीरो है, बेस है, तो मेम्ब्रेन में धसा होगा, तो देखिए एफ नॉट इंटीग्रल होगा और चैनल की तरह काम करेगा, मेम्ब्रेन में धसा है तो। एफ वन बाहर होगा, मैट्रिक्स साइड प्रोट्रूडेड होगा,
और वहीं से बनेगा आपका एटीपी। कैसे बनेगा? एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट से। दोनों बातें सही है, लैंग्वेज याद कर लीजिएगा। एफ नॉट धसा है, एफ वन बाहर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट मैच इंक्रीज इन लेंथ? तो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ इंक्रीज इन लेंथ सही है। सरफेस एरिया ग्रोथ इन डार्सी वेंट्रल लीफ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में कैसा होता है बेटा आपका? पावर में आ जाएगा, तो डब्ल्यू वन इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई टू पावर आर टी, सारी बातें सही है, आंसर हो जाएगा फोर्थ। और एल टी इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी, एक स्ट्रेट लाइन है, एक ऐसा हो जाता है अरिथमेटिक लेंथ वाला। द फंक्शनिंग ऑफ द किडनी इज एफिशियंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाई ए हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग द हाइपोथैलेमस जेजीए एंड टू सर्टेन स्टेट। तो कहते हैं बेटा हाइपोथैलेमस जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, हाइपोथैलेमस से बनेगा क्या एडीएच, निकलेगा कहाँ से? पोस्टीरियर लोबा पिट्यूटरी। जेजीए एपरेटस से निकलेगा रेनिन, और ये आपका रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम कराएगा, और इसको चेक करने के लिए हार्ट से निकलता है एएनएफ एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर। ते बढ़ाने वाले होते हैं और उसको कंट्रोल करके घटाने वाला होता है। जीएफआर इन अ हेल्दी इंडिविजुअल अप्रॉक्सिमेटली तो 125 लीटर पर मिनट, और अगर टोटल दिन में देखा जाए तो 180 लीटर पर डे। यूरिन आउटपुट होगा 1 to 1.5 लीटर पर डे, यानी मैक्सिमम जीएफआर क्या होता है रीअब्जॉर्ब हो जाता है लगभग 99%। यूरिन का जो आउटपुट है वो है 0.8% ऑफ जीएफआर। कहते हैं एक दिन में यूरिया कितना एक्सक्रीट किया जाता है इस एक से डेढ़ लीटर में, तो 25 से 30 ग्राम यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द इनकरेक्ट मैच फॉर ह्यूमन ब्लड? फॉर्म्ड एलिमेंट 45 सही है, वाटर 90 to 92% होता है, यही गलत हो गया। प्लाज्मा का ल्यूकोसाइट 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। न्यूट्रोफिल मोस्ट अबंडेंट होता है, 60 से 65% होता है। बेसोफिल सबसे कम होता है, 0.5 to 1% होता है। मेनी प्लांट प्रोड्यूस एंड स्टोर केमिकल दैट मेक द हर्बीवोर सिक व्हेन दे आर ईटन, इनहिबिट फीडिंग और डाइजेशन, डिसरप्ट इट्स रिप्रोडक्शन और इवन किल इट। तो एक प्लांट तो कहीं भाग नहीं सकता अपने प्रीडेटर से, कहता आओ तुमको बीमार कर देंगे, तो उसके अंदर कुछ ऐसे जहरीले केमिकल पाए जाते हैं। जब याद रखना कौन खाएगा उसको, हर्बीवोर, जब खाएगा तो बीमार हो जाएगा, उसकी खाने की क्षमता घट जाएगी, उसका रिप्रोडक्शन कम हो जाएगा या मर जाएगा, तो इस कारण से वो खाएगा नहीं। जैसे कैलोट्रोपिस में कार्डियक ग्लाइकोसाइट्स पाए जाते हैं। प्रे स्पीसीज हैव इवॉल्व वेरियस डिफेंसेस टू लेसन द इम्पैक्ट ऑफ प्रेडेशन। तो एक आपका क्या हो रहा, प्रे स्पीसीज कई प्रकार के मैकेनिज्म अपने डिफेंस में रखती है, जिसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल। तो दोनों बातें सही हैं, आंसर हो जाएगा 144 का 4। इन पॉन्ड इकोसिस्टम द ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट, तो बेटा फाइटोप्लैंकटन होंगे, सम एल्गी होंगे। अब प्लैंकटन मतलब क्या होता है आपके? पैसिवली फ्लोटर भाई, आपके वहाँ पे प्लांट भी पाए जाएंगे, प्लांट डूबे भी हो सकते हैं तैरते हुए, तो फ्लोटिंग प्लांट एंड सबमर्ज प्लांट, सारे बातें सही हैं आपका एनसीईआरटी में। जैसे ही आप इकोसिस्टम के फंक्शनल और स्ट्रक्चरल एफसेट पढ़ते हैं उसके नीचे ये लिखा हुआ है। प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट इंटू इंसर्शन और इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन। अगर बीटा गैल जीन खराब हो जाएगा तो बीटा ब्लू, तो ब्लू कलर नहीं मिलेगा। एंड द कॉलोनी डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, दीज आर आइडेंटिफाइड एज रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट कोई कॉलोनी में कलर नहीं देगा, वाइट हो जाएगा। सर एक फार्मूला याद कर सकते हो, एनआरबी नॉन रिकॉम्बिनेंट में बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन प्रेजेंट है, जैसे नॉन रिकॉम्बिनेंट बीटा गैलेक्टोसिडेज है तो ब्लू कलर की कॉलोनी। इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेकअप द प्लाज्मिड, बैक्टीरियल सेल फर्स्ट मेड टू बी कॉम्पिटेंट टू टेकअप डीएनए। कंपिटेंट बनाने के लिए पहले हम लोग डाइवेलेंट कैटायन कैल्शियम आयन से ट्रीट करते हैं। इससे ट्रीट करने के कारण जो डीएनए होगा, सेल वाल को तो क्रॉस कर गया लेकिन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं किया। फिर आपका आइस 42 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर आइस हीट शॉक मेथड दे देंगे। तो बेटा दोनों बातें सही हैं, याद रखिएगा 146 का 4। प्यारे बच्चों, प्लांट सेल में डायरेक्ट ट्रांसफर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बायोलॉजिक या जीन गन, गोल्ड एंड टंगस्टन
से कोटिंग होती है और एनिमल सेल में डायरेक्ट ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं माइक्रो इंजेक्शन। अब बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्ट ऑफ डिलीवरिंग जीन बाय पैथोजन इन देयर यूकेरियोटिक होस्ट। अब जितना अच्छा हम जानते जाएंगे कि पैथोजन कैसे अपने जीन को होस्ट में इंट्रोड्यूस करते हैं, हैज जनरेटेड नॉलेज टू ट्रांसफॉर्म बीज टूल। अब भाई अब जब वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकता है तो किसी को जोड़ देंगे तो उसको भी लेके चला जाएगा। पैथोजन इंटू यूजफुल वेक्टर फॉर डिलीवरिंग जीन ऑफ इंसर्ट इंटरेस्ट टू ह्यूमन। सही है। और हमने देखा था पैथोजन तो बीमारी करता था, तो हमको एक और आर्ट सीखना होगा कि लेके तो जाए लेकिन बीमारी ना करे। तो वेक्टर्स यूज एट प्रेजेंट आर इंजीनियर्ड इन सच अ वे, ऐसे इंजीनियर किए जाते हैं दैट दे हेल्प इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए एंड सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट, जैसे कि PBR322। इसमें हम लोग रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट के सिलेक्शन के लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का इस्तेमाल करते हैं। तो 147 का आंसर हो जाएगा बेटा फोर्थ। एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस इज एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। जब डीएनए को हम लोग आइसोलेट कर लिए, प्लांट सेल को तोड़ने के लिए सेलुलोज, फंगल सेल को तोड़ने के लिए काइटिनेज, बैक्टीरिया को तोड़ने के लिए लाइसोजाइम, फिर आरएनए हटाया, डीएनए आरएनए हटाया, प्रोटीन हटाया, कार्बोहाइड्रेट हटाया, लिपिड हटाया, डीएनए नहीं हटाएंगे। अब जो डीएनए है उसको प्रेसिपिटेट करने के लिए चिल्ड इथेनॉल मिलाएंगे। प्रेसिपिटेटेड डीएनए को हम लोग किनारे करते हैं स्पूलिंग के जरिए, अब उसके टुकड़े तोड़ेंगे डाइजेशन के जरिए, और टुकड़े हुए कि नहीं हुए इसको देखने के लिए क्या कराते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, कैथोड और एनोड, कैथोड निगेटिव, एनोड पॉजिटिव। लोडिंग कहाँ कर देंगे, कैथोड में, एनोड की तरफ भागेगा, जितना छोटा टुकड़ा उतना तेज भागेगा और वही समझ में आ जाएगा प्रोग्रेशन ऑफ डाइजेशन। लास्ट में प्रोडक्ट बनाने के लिए बायोरिएक्टर यूज करते हैं। बायोरिएक्टर दो प्रकार के होते हैं, स्टीयर टैंक में एक सिंपल और एक स्पार्ज्ड। सिलेंड्रिकल होगा, बेस कैसा होगा, कर्व, कर्व होने के कारण अगर ऐसे होगा तो यहाँ किनारे में माल जमा हो जाएगा, कर्व में नहीं जमा होगा, ठीक है ना। टू फैसिलिटेट द मिक्सिंग ऑफ द रिएक्टर, रिएक्टर की मिक्सिंग करने के लिए आपका स्टीयरर लगाए जाते हैं, ब्लेड लगाए जाते हैं। और फायदा होता है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द मिक्सर रखता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ, दोनों बातें हैं सही। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यैक, बैक और यैक बेटा ये आपके यूज किए गए थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, तो इसका फुल फॉर्म है येलो आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, ईस्ट अप्लाइड, नहीं भाई, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, और बैक होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। ये दोनों वेक्टर यूज किए गए थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में दो मेथडोलॉजी यूज किया गया था, एक ब्लाइंड अप्रोच था जिसको बोलते हैं सिक्वेंस एनोटेशन, और एक था वह डीएनए को देखना जो आरएनए के रूप में एक्सप्रेस होते हैं, जिसको बोलते थे ईएसटी, एक्सप्रेस्ड सिक्वेंस टैग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनकरेक्ट मैच, रिलीज फैक्टर स्टॉप ट्रांसलेशन। तो रिलीज फैक्टर मतलब रिलीज कराना है, ट्रांसलेशन रुकेगा और प्रोटीन रिलीज हो जाएगा, सही है, लेकिन पूछा क्या, इनकरेक्ट। यूटीआर रिक्वायर्ड फॉर एफिशियंट ट्रांसलेशन प्रोसेस, स्टार्ट कोडान से पहले और स्टॉप कोडान के बाद अनट्रांसलेटेड रीजन होते हैं जो एफिशियंट ट्रांसलेशन हो उसके लिए जरूरी होता है। 23S राइबोसोमल आरएनए एक प्रकार का राइबोजाइम है जो एंजाइमेटिक की तरह काम करता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। तो तीनों बातें सही हो गई, तो जायज बात ये आपका गलत हो जाएगा। ट्रांसलेशनल यूनिट सीक्वेंस ऑफ डीएनए, भाई ट्रांसलेशन की जब बात करते हैं तो आरएनए से स्टार्ट होता है ना कि डीएनए से। डीएनए में आपका पाया जाता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। तो बेटा ये आपका समाप्त होता है 150। अब 151 टू ऑनवर्ड भाई संगम सर, आइए सर, वेलकम करते हैं आपका, स्वागत है। धन्यवाद। तो बच्चों 150 के बाद जरा हम लोग बात करें 151 की, और क्वेश्चन है द सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच ऑफ द जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड के रिफरेंस में कौन सी मैचिंग इनकरेक्ट है। तो बेटा पहला देखा UUU, और जैसे UUU देखा तो पर पता चल गया इट इज नॉट अ केस ऑफ ल्यूसिन, बेटा इट इज केस ऑफ फेनिल एलानिन।
बेटा यूयूसी फेनिलिन बनाता है, जीसीजी ग्लाइसिन बनाता है, एए लाइसिन बनाता है, और हमें इनकरेक्ट मैच ही तलाशना था। तो 151 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द मेंडल डाइहाइब्रिड क्लास। मेंडल के डाइहाइब्रिड क्लास के अकॉर्डिंग करेक्ट मैच क्या है? तो मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्लास में दो करेक्टर का यूज किया है। एक करेक्टर है जिसमें सीड लिया, सीड का शेप है, ये सीड का शेप है राउंड, और दूसरा लिया है जो हो सकता है रिंकिंग। और दूसरी प्रॉपर्टी ली गई है कलर, सीड कलर, तो या तो ये येलो है और या तो ये ग्रीन है। इन दो करेक्टर्स में जो राउंड वाला करेक्टर था ये बड़ा ये डोमिनेंट है और येलो डोमिनेंट है। अब इस करेक्टर को, करेक्टर और उनके रिप्रेजेंट करने वाली एलील को ध्यान में रखें और इस करेक्ट मैचिंग को देखें। हमें करेक्ट मैच को सेलेक्ट करना है। तो इसके पास एक कैपिटल आर, एक दो कैपिटल वाई है। तो कैपिटल आर जिसके पास होगा वो राउंड होगा, और कैपिटल वाई जिसके पास होगा वो येलो होगा। कैपिटल आर जिसके पास होगा राउंड होगा, और कैपिटल वाई जिसके पास येलो होगी। अब आपके पास कैपिटल आर है तो भैया ये राउंड होगी ना कि रिंकल्ड, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट मैच। ये हो गया आपका केस, हो गया राउंड येलो। यहां स्मॉल आर और कैपिटल वाई है, स्मॉल आर रिप्रेजेंट करती है रिंकल्ड को, तो यहां रिंकल्ड है और कैपिटल वाई है येलो। कैपिटल वाई जहां होगा बेटा वो येलो होगा, तो दिस मैच इज ट्रू। कैपिटल आर कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, और कैपिटल आर बेटा रिप्रेजेंट करेगा राउंड को, राउंड आपके पास है, स्मॉल वाई रिप्रेजेंट करती है ग्रीन को, तो ये येलो नहीं होगा, राउंड ग्रीन कॉम्बिनेशन होगा। स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर रिप्रेजेंट करता है रिंकल्ड को, और रिंकल्ड नहीं राउंड नहीं होगा, रिंकल्ड होगा, और कैपिटल वाई रिप्रेजेंट करता है येलो को, तो ये येलो येलो रिंकल्ड होंगे, ये भी गलत हो गया। और अपने पास करेक्ट मैचिंग मिल गई, और करेक्ट मैचिंग है ऑप्शन सेकंड की। तो 152 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच को सेलेक्ट करना है एस्परजिलस मोनस्कस परपीरियस। बेटा एस्परजिलस फंगस होता है, याद करो हम लोगों ने पढ़ा है एस्कोमाइसिटिस, और एस्कोमाइसिटिस का वो मेंबर जो सिट्रिक एसिड ऑप्टेन कराता है, सिट्रिक एसिड ऑप्टेन कराता है एस्परजिलस नाइगर के तौर पर, याद रखते हैं। मोनस्कस परप्यूरियस इसे बैक्टीरिया, याद आ जाए बायो एक्टिव मॉलिक्यूल के एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोगों ने मोनस्कस परप्यूरियस स्टेटिन के लिए यूज किया था। ये बैक्टीरिया नहीं बेटा, इट इज ए टाइप ऑफ ईस्ट, और ये ईस्ट है, और इनकरेक्ट मैच ही हमें सेलेक्ट करना है। तो 153 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। क्लास्ट्रिडियम ब्यूटेरिकम बैक्टीरिया होता है और ट्राइकोडर्मा फंगस कहलाता है, और फंगस इम्परफेक्टिव का जो ग्रुप ड्यूट्रोमाइसिटिस है उसे बिलोंग करता है, और रूट बॉर्न पैथोजिन को प्रोटेक्ट करने का मीडियम भी है। तो 153 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फॉर द सेल साइकिल। सेल साइकिल के रेफरेंस में बेटा कौन सी मैचिंग गलत है, ध्यान से देखा जाए जरा सेल साइकिल के रेफरेंस में। तो बेटा जीवन के नाम में ही जी गैप आता है, ग्रोथ आता है, तो इसे गैप वन कहते हैं, इसे गैप टू कहते हैं। दोनों चीजें सिंथेसिस है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकांड्रिया का रिप्लीकेशन G2 में देखने को मिलता है, और मेजर सेल ऑर्गेनेल्स रिप्लीकेट करते हैं जीवन में। एस फेस सिंथेसिस फेस होता है, यहाँ डीएनए का रिप्लीकेशन होता है, सेंट्रियोल का रिप्लीकेशन होता है। और बेटा जी नॉट फेस जो होता है ये मोस्ट एक्टिव फेस होता है। जी नॉट फेस को हम लोग कहते हैं क्वेश्चन्ड फेस, क्वेश्चन्ड फेस कहते हैं, इसे सेल एग्जिट साइकिल कहते हैं, सेल एग्जिट साइकिल कहते हैं, इसे सेल सस्पेंडेड साइकिल भी कहते हैं। ये वो कंडीशन है जब कंडीशन से कोई सेल जीवन स्टेज से बाहर निकल जाती है, तो ऐसे फेस को जी नॉट फेस कहते हैं। यहां कंडीशन एक्टिव की नहीं इनएक्टिव की होती है, तो इनकरेक्ट मैच हमें मिल जाएगा ऑप्शन फोर्थ। तो 154 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 155।
सब फाइलम यूरोकार्डेटा सिफेलोकार्डेटा रिफर्ट एज ए प्रोटोकार्डेटा। बेटा कार्डेटा में हमें जो सब फाइलम मिला वो वर्टिब्रेट के तौर पर उधर याद रखते हैं और यूरोकार्डेट सिफेलोकार्डेट की ओर इधर याद करते हैं, इन्हें प्रोटोकार्डेट कहते हैं, उधर यूकार्डेट कहा जाता है, याद रखेंगे टू कार्डेट्स उधर की ओर चले जाते हैं। तो सब फाइलम यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा बेटा ये दोनों प्रोटोकार्डेट होते हैं, तो बिल्कुल बात हो गई सही, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। इन वर्टिब्रेट नोटोकार्ड प्रेजेंट इन लार्वल टेल, बेटा जब हम लोगों ने बात वर्टिब्रेट की करी है तो हमें मालूम है कि जो नोटोकार्ड है इट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, तो नोटोकार्ड टेल रीजन तक नहीं मिलता, वर्टिब्रेट में वर्टिब्रल कॉलम मिलता है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। तो 155 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट बात करी जाए हाउ मेनी आर करेक्ट मैच, बेटा इनमें से कितने मैच करेक्ट हैं, तो ध्यान से देखें भैया यूकेलिप्टस सीड बियरिंग प्लांट, तो पता चला जो यूकेलिप्टस होता है बेटा ये एंजियोस्पर्म का रिप्रेजेंटेशन है, 100 फीट हाइट रखता है, 100 फीट हाइट रखता है, अगर ये एंजियोस्पर्म का रिप्रेजेंटेशन है तो इसके पास सीड होगा, तो फर्स्ट मैच इज करेक्ट। साइकस में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलती है, मेल अलग फीमेल अलग, मेल में हमें कोन देखने को मिलता है और फीमेल में नॉट, फीमेल साइकस कोन नहीं बनाता बट ये यूनिसेक्सुअल होता है, दिस इज ट्रू। एंथ्रीडिया मेल सेक्स ऑर्गन होती है जो एंथ्रोजोइट को प्रोड्यूस करती है, और जिम्नोस्पर्म का मेवर सिकोवा सेमी परविंस, इसे रेड वुड जॉइंट ट्री कहा जाता है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो 156 फॉर ऑल थ्री फोर ऑप्शन आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। चले भाई 156 के बाद देखें हम लोग 157। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ओनली सम एलिमेंट प्रेजेंट इन सैंपल ऑफ द अर्थ क्रस्ट आल्सो प्रेजेंट इन सैंपल ऑफ द लिविंग टिश्यूज। एलिमेंटल एनालिसिस जब करी गई तो लिविंग टिश्यूज को एनालिसिस किया गया और नॉन लिविंग टिश्यूज नॉन लिविंग कंपोनेंट के तौर पर अर्थ क्रस्ट को लिस्ट में एलिमेंट सिमिलर मिले हैं, तो भैया ओनली सम एलिमेंट नहीं, ये सम एलिमेंट का खेल नहीं है, ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट वही लिविंग टिश्यू में मिले वही अर्थ क्रस्ट में मिले, सो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, इट इज नॉट अ केस ऑफ सम, इट इज केस ऑफ ऑल, लिस्ट में एलिमेंट सब सेम थे बट उनकी क्वांटिटी केवल डिफर थी। ऑल कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट इन लिविंग टिश्यूज कॉल्ड एज बायो मॉलिक्यूल, यस वो सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो लिविंग बींग में मिलते हैं दे आर कॉल्ड बायो मॉलिक्यूल, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट सेकंड इज करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखें सेलुलोज इज ए पॉलीमेरिक पॉलीसेक्राइड कंसिस्टिंग ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड गैलेक्टोज, यस तो बेटा देखो जो सेलुलोज है वो पॉलीमेरिक पॉलीसेक्राइड है, कैसा पॉलीमेरिक पॉलीसेक्राइड है, होमो पॉलीसेक्राइड है, एक तरह के मोनोसेक्राइड रखता है, बिल्कुल सही रखता है, लेकिन बेटा ये गैलेक्टोज नहीं रखता, इट इज केस ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज को रखता है गैलेक्टोज को नहीं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। स्टार्च फॉर्म हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो बेटा जो स्टार्च होता है वो हेलिकल स्ट्रक्चर रखता है, आई टू होल्ड करता है, ब्लू कलर देता है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू बट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, तो फर्दर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखें 159 कवर्ड सीड फ्लावर फ्रूट इज द करेक्टरिस्टिक्स, कवर्ड सीड का पाया जाना, फ्लावर का पाया जाना, फ्रूट का पाया जाना, बेटा इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एंजियोस्पर्म, और बेटा इसके साथ डबल फर्टिलाइजेशन और जोड़ लेते हैं, तो देखो भैया टेरिडोफाइट में ना तो फ्लावर ना तो सीड ना तो फ्रूट, जिम्नोस्पर्म में सीड तो मिलेगा फ्लावर नहीं मिलेगा फ्रूट नहीं मिलेगा, पर जिम्नोस्पर्म में पाए जाने वाला सीड बेटा कवर्ड नहीं नेग्ड होता है। यस
चले भाई 159 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड हेयर अपीयर्स एट द अपीयर्स आफ्टर, बेटा दो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट में हम लोगों ने पढ़ा कि बेटा जो पहला फीटस का मूवमेंट होता है वो फिफ्थ मंथ में होता है। तो भैया अपने पास मूवमेंट फर्स्ट फीटस का मूवमेंट फिफ्थ मंथ में, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनकरेक्ट मैच, बेटा इनमें से इनकरेक्ट मैच को सिलेक्ट करें। चलो, हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल कहलाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सीक्रेट होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स से, इसे कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन, और बेटा ये प्रेगनेंसी को मेंटेन कराता है, दिस इज ट्रू। ब्लास्टोसिस्ट मास ऑफ सेल है जो बेटा इम्प्लांट होता है, तो दिस मैचिंग इज आल्सो ट्रू। मोरुला एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेज है, दिस इज ट्रू। प्लेसेंटा ऑक्सीटोसिन निकालता है, इस बात को जरा ध्यान से देखें, प्लेसेंटा ऑक्सीटोसिन निकालता है, और अगर ऑक्सीटोसिन की हम लोग बात करते हैं, ऑक्सीटोसिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो भैया हम लोगों ने पढ़ा कि एक ग्लैंड है पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब है, जिस लोब में हाइपोथैलेमस से दो हार्मोन आते हैं, एक का नाम है वैसोप्रोसिन और दूसरे का नाम है ऑक्सीटोसिन। ये रिलीज होता है पिट्यूटरी लोब ऑफ पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो नाउ इट इज मिसमैच विद द प्लेसेंटा, तो ऑक्सीटोसिन वैसोप्रोसिन आर रिलीज्ड बाय, नॉट प्रोड्यूस्ड, रिलीज्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी, बट दे आर सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस। तो 161 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर गिवन डायग्राम, जो डायग्राम दिया गया है इसे ध्यान से देखें और बेटा करेक्ट स्टेटमेंट देखें। तो वायला ऑक्सेलिस को हम लोगों ने पढ़ा बेटा, जिसमें दो तरह के फ्लावर पाए जाते हैं, ये पहला वाला फ्लावर ओपन वाला फ्लावर है, इसे हम लोग कहते हैं कैस्मोगेमस, कैस्मोगेमस, और ये अंडरग्राउंड वाला फ्लावर है इसे कहते हैं क्लिस्टोगेमस। अब बेटा जो कैस्मोगेमस फ्लावर होता है ये ओपन फ्लावर होता है, और क्लिस्टोगेमस फ्लावर होता है क्लोज्ड होता है, ये अंडरग्राउंड होता है, डल है, और बेटा ओपन वाला कलर्ड ब्राइट ब्लू होता है। अब इस प्लांट फ्लावर के नाम पर फोकस करने के बाद बेटा अब जरा आप इनकी प्रॉपर्टी को देखें, बी डू नॉट ओपन एट ऑल, बी क्लास क्रिस्टोगेमस है और ये क्लोज्ड होता है तो ये कभी नहीं खुलता, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ए आर सिमिलर टू फ्लावर अदर स्पीसीज विद एक्सपोज्ड एंथर, जैसे बाकी स्पीसीज का फ्लावर एक्सपोज होता है ऐसे ही ये एक्सपोज है, ये ओपन फ्लावर है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ए इज ऑनली ऑटोगेमी टेक प्लेस, क्या ये ओपन फ्लावर एक्सपोज फ्लावर है तो इसमें ऑटोगेमी ही देखने को मिलेगी, नहीं बेटा यहाँ ऑटोगेमी और जिटनोगेमी दोनों देखने को मिलेगी, तो थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट, यहाँ ओनली हटाना पड़ेगा, बट बी हैव ओनली ऑटोगेमी, क्योंकि ये क्लोज फ्लावर है इसलिए यहाँ कोई दूसरी गेमी टेक प्लेस नहीं होगी, सेल्फ पॉलिनेशन ही देखने को मिलेगा बिना पॉलिनेटिंग एजेंट, सीड सेटिंग श्योर हो जाती है क्लिस्टोगेमस फ्लावर में, ये एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज है, इसे भी याद रखना है। तो एक दो तीन, पहला दूसरा चौथा हो गया सही और बेटा थर्ड वाला ऑप्शन हो गया गलत, तो अपने पास टोटल करेक्ट स्टेटमेंट हो गए तीन, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, बेटा इनकरेक्ट मैच को सेलेक्ट करना है। तो भैया सोगम वल्गेरी को ज्वार कहा जाता है, सोगम वल्गेरी को बेटा ज्वार कहा जाता है ट्रू, अवेना सटाइवा को ओट कहते हैं, हार्डियम वल्गेरी बेटा इसे बाजरा नहीं कहते, इसे बार्ले कहा जाता है, बार्ले कहा जाता है, तो मिसमैच कल इनकरेक्ट मैचिंग हो गई ऑप्शन थर्ड। और साइनोडेन डिक्टायरन को धूप ग्रास कहा जाता है, इट इज ट्रू। So incorrect match is option third. So correct option 163 is option third.
सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन डायग्राम, डायग्राम को पहचाने और करेक्ट ऑप्शन को देखें। तो भैया इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जो सफर है उस फिगर को रिप्रेजेंट किया गया। ये भैया जो ए है ये रिप्रेजेंट करता है प्लेसेंटल विलाई को, प्लेसेंटल विलाई को रिप्रेजेंट करता है। अब बेटा जो बी वाला हिस्सा है ये रिप्रेजेंट करता है योग सैक को, और जो सी है ये रिप्रेजेंट करता है एम्ब्रियो को, और बेटा जो डी वाला है ये रिप्रेजेंट करता है अम्लिकल कॉर्ड को, अम्लिकल कॉर्ड को। अब बेटा ए प्लेसेंटल विलाई है, योग सैक है, एम्ब्रियो है, तो बेटा सब की सब मैचिंग करेक्ट है, डी वाले पर फोकस करेंगे, अम्लिकल कॉर्ड भी है। तो 164 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम, डायग्राम को देखें और करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करें। तो भैया जब डायग्राम को देखा गया तो ये स्केलेटल स्ट्रक्चर है, स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है कैनाबिनॉइड का, कैनाबिनॉइड का। तो भैया ये कैनाबिनॉइड प्लांट से रिलेटेड है और इसे इंटेक किया जाता है इनहेलेशन और इंजेशन से। इट इफेक्ट अपॉन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम करता है, बट इट ऑब्टेन फ्रॉम एस्टिलेशन ऑफ मॉर्फिन। और मॉर्फिन तो कैनाबिनॉइड है ही नहीं, मॉर्फिन तो बेटा ओपियोइड ड्रग है, और मॉर्फिन के एस्टिलेशन से कैनाबिनॉइड ड्रग नहीं मिलते। अगर आपको याद है तो बेटा इसके डाई एस्टिलेशन से हीरोइन बनती है। सो डे स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बट ए बी सी आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। तो 165 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट 166, द पिरामिड ऑफ बायोमास आर जनरली इन्वर्टेड। हम लोगों ने पढ़ा बेटा कि जो पिरामिड है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ट्रॉपिक लेबल का है, बेस भी है और एपेक्स भी है। प्रोड्यूसर हमेशा बेस पर और टॉप कार्निवोरस एपेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली ये अपराइट होते हैं, बस सर्टेन केसेस में वो इन्वर्टेड भी हो जाते हैं। और आपको याद कराया गया था एक्सेप्शन के तौर पर नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन इन्वर्टेड और बायोमास के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन इन्वर्टेड। तो भैया बायोमास के पॉइंट ऑफ व्यू से सी का इकोसिस्टम, सी का पिरामिड बेटा इन्वर्टेड होगा। सो फर्स्ट एसर्शन इज ट्रू, सी बायोमास ऑफ द फिशेस फॉर एक्सीड ऑफ द फाइटोप्लैंकटन। भैया ये इन्वर्टेड है, प्रोड्यूसर से फिशेस का नंबर, फाइटोप्लैंकटन से फिशेस का नंबर ज्यादा होगा। सो एसर्शन इज आल्सो रीजन इज आल्सो करेक्ट एंड इट इज केस ऑफ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो 166 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। 167, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द लाई स्टिक एंड कोपे पार्ट, तीनों चीजों को पहचाने और जरा करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। तो भैया जैसे तीन नाम पढ़े गए अपने दिमाग में चलने लगा कंसेप्ट आप पैरासाइट, ये सब के सब पैरासाइट हैं, पर ये सब पैरासाइट वो हैं जो होस्ट की आउटर सरफेस पर रहकर, आउटर सरफेस पर रहकर शेल्टर भी शेल्टर का भी यूटिलाइजेशन है, और बेटा फूड को भी, फूड की डिपेंडेंसी भी शो करते हैं। ये सब पैरासाइट हैं, और बेटा ये सब एक्टो पैरासाइट हैं, डिफरेंट एनिमल पर होते हैं, कोई ह्यूमन बेस, कोई डॉग बेस, कोई फिश बेस, और ये इंडो पैरासाइट नहीं है, और ये डिफरेंट प्लांट के नहीं है। प्लांट के केस में आपने कस्कुटा को याद रखा था, तो केवल फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट सोर्स एंड थर्ड एंड फोर्थ आर इनकरेक्ट, तो ओनली ए एंड बी आर करेक्ट। 167 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, इकोलॉजिस्ट सजेस्ट दैट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ट्रेट ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व्ड इन रिलेशन द कंस्टेंट एक्सपोज्ड एबायोटिक बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द हैबिटेट विच दे लाइव। बड़ा एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। प्रेडेशन पैरासिटिज्म एंड कमर्शियलिज्म शेयर कॉमन करेक्टरिस्टिक, द इंट्रैक्टिंग स्पीसीज आर क्लोजली रिलेटेड। अब बेटा प्रेडेशन का हो, प्रेडेटर प्रे की रिलेशनशिप, पैरासिटिज्म होस्ट एंड पैरासाइटिज्म और कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म
इनमें इंट्रक्टिंग स्पीसीज क्लोजली रहती हैं, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो इन 68 बेटा बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज 168, करेक्ट ऑप्शन इज बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट इज ऑप्शन फोर्थ। द एसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, द रेट ऑफ अपीयरेंस न्यू फॉर्म लिंक द लाइफ साइकिल और लाइफ स्पन। फिर एक बार एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन को उठाया गया, डार्विन के अकॉर्डिंग जो डार्विनियन थ्योरी है एवोल्यूशन के लिए नेचुरल सिलेक्शन को सपोर्ट करती, वो बताती है जो नए फॉर्म, जो अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म है वो लिंक है पर्टिकुलर लाइफ साइकिल और लाइफ स्पन के साथ। जिसका लाइफ स्पन कम वहाँ एवोल्यूशन ज़्यादा तेजी से दिखाई पड़ेगा, जिसका लाइफ स्पन ज़्यादा है थोड़ा स्लो दिखाई पड़ेगा, टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, एवोल्यूशनरी एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन इन द ट्रू सेंस वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम व्हेन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ विद डिफरेंस ऑफ द मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी ऑरिजिनेट ऑन अर्थ। तो 169 सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट और बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो फर्दर आंसर इज ऑप्शन फोर्थ। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट टी आर एन ए आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड, टी आर एन ए आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड, फॉर इनिशिएशन देयर इज अनदर स्पेसिफिक टी आर एन ए दैट्स रिफर्ड एज इनिशिएटर टी आर एन ए, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। द राइबोसोम कंसिस्ट स्ट्रक्चरल आर एन ए एंड अबाउट 80 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन। तो भैया जो राइबोसोम है वही साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, जो 80 टाइप के डिफरेंट प्रोटीन को बनाती है। कुछ याद आ जाए और ये क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट जो प्रीवियस नीट हुई है बेटा उसमें भी आपके लिए पूछा गया है। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, सो फर्दर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। 171 फाइलम एमीकार्डेटा एग्जिबिट ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड ओनली रेडियल सिमेट्री। बेटा हेमीकार्डेटा किसी जमाने की कनेक्टिंग लिंक रही है और बेटा यहाँ वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म पाए गए, बॉडी डिफरेंस या प्रोबोसिस कॉलर ट्रंक में, एक्सक्रीशन प्रोबोसिस ग्लैंड से होता है, ओपन सर्कुलेशन है, बेलेनोग्लासेस को आप याद रखते हैं। बेटा इसमें ओनली रेडियल सिमेट्री नहीं पाई जाती, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। फाइलम मोलस्का एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम, बात सही है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ओनली एसिमेट्रिकल, मोलस्का में केवल एसिमेट्रिकल कंडीशन नहीं मिलती, मोलस्का में एसिमेट्रिकल कंडीशन भी मिली है और बाइलेटरल सिमेट्री भी देखने को मिलती है। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज फर्दर इनकरेक्ट। तो 171 बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच को सेलेक्ट किया जाए। तो बेटा एरियोलर टिश्यूज लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ट्रू। कंपाउंड एपिथेलियम फाउंड इन फेरेंक्स इंटेस्टाइन, ट्रू। गोबलेट सेल यूनिसेलुलर ग्लैंड है, म्यूकस रिलीज करती है एलिमेंट्री केनाल। लेकिन बेटा जो कंपाउंड एपिथेलियम होती है ये मल्टीलेयर अरेंजमेंट है, इसका मेजर रोल होता है प्रोटेक्शन में और माइनर रोल प्ले करती है सीक्रीशन में। तो सीक्रीशन और एब्जॉर्प्शन कंपाउंड एपिथेलियम का माइनर रोल में है और मेजर रोल में प्रोटेक्शन है। सो इनकरेक्ट मैच इज ऑप्शन फोर्थ। तो 172 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। 173 आउटर वॉल ऑफ द गार्ड सेल आर एंड इनर वॉल ऑफ द इनर वॉल इज। बेटा जो गार्ड सेल है, जो गार्ड सेल की गार्ड सेल है, ये इसकी आउटर वॉल और ये इसकी इनर वॉल। तो व्हाट, आउटर वॉल तो थिन और बेटा इनर वॉल होती है थिक। आउटर वॉल है थिन और इनर वॉल है थिक। आउटर वॉल हो गई थिन, आउटर वॉल इनर वॉल हो गई थिक, और आउटर वॉल थिन इनर वॉल थिक। अब बेटा जो गार्ड सेल है एपिडर्मल सेल मॉडिफिकेशन है, क्लोरोफिलस रखता है, डिसाइड कराता है शेप मोनोकार्ड प्लांट है या डाइकार्ड प्लांट है, मोनोकार्ड प्लांट है या डाइकार्ड प्लांट है, या तो डंबल शेप या तो बीन शेप।
अब आके आप सब जानते हैं। नेक्स्ट 174 स्टेटमेंट द एडल्ट वुमेन हाइपोथायरायडिज्म में कॉस मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकम इररेगुलर। तो भैया अगर नॉन प्रेग्नेंट एडल्ट वुमेन है तो उसमें इररेगुलर मेंस्ट्रुएशन हाइपोथायरायडिज्म के कारण होता है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। द थायरॉइड ग्लैंड कंपोज्ड ऑफ टू लोब आर लोकेटेड इन आइदर साइड ऑफ ट्रेकिया। तो ये रही ट्रेकिया और ये बाई लोब्ड ग्लैंड है और दोनों ग्लैंड दोनों लोब आपस में जुड़ते हैं इस समस्या से। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। तो 174 बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। और बोथ स्टेटमेंट बेटा अगर करेक्ट हो गए तो फर्दर ऑप्शन हो गया ऑप्शन फोर्थ। 175 गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट बेटा इंपल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जब देखने को मिलता है ऑलवेज स्लोअर नहीं भाई, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स फास्टर होता है और केमिकल सिनेप्स स्लोअर होता है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स अपनी बॉडी में रेयर होता है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बट फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकेंड इज करेक्ट। 175 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। अब बेटा 176 से आगे का मिशन कंटिन्यू करेंगे एली सर। चलो बच्चों आपने 170 तक 5 तक संगम सर के साथ देख लिए हैं क्वेश्चंस। अब 176 से मैं आगे कराना हूं। आज था एफएसटी आपके पास 44 है ना, तो उसके 176 से क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। देखिए लिखा हुआ है सेलेक्ट इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच के बारे में पूछ रहा है तो बताओ होमो क्या है? जीनस है, बिल्कुल है, क्योंकि होमो सेपियंस होमो जीनस है और कैनिस फैमिलरिस जीनस है। कैनिस आपके क्या हो गए? जीनस। पेटूनिया, पेटूनिया स्पीसीज नहीं है, पेटूनिया भी जीनस है ना। और आपके पास कार्निवोरा ऑर्डर है तो गलत बात क्या निकल के आ गई? पेटूनिया। पेटूनिया जो है ना वो आपका जीनस होगा बेटा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 177 लिखा हुआ सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो आपको इनकरेक्ट बात बतानी तो लिखा हुआ बोथ आर द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। सही बात है क्योंकि आपको पता है सेल ऑर्गेनेल्स जो भी हैं, सेल ऑर्गेनेल्स में आप ये बात को समझें कि डबल मेम्ब्रेनस कितने हैं। तो डबल मेम्ब्रेनस आपके पास 3 स्ट्रक्चर्स हो गई। एक आपके पास कौन कौन हो गया डबल मेम्ब्रेनस में? डबल मेम्ब्रेनस में माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपके पास क्लोरोप्लास्ट हो गया। हालांकि सेल ऑर्गेनेल तो नहीं लेकिन डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर न्यूक्लियस भी है ना। आपके पास विदाउट मेम्ब्रेन नॉन मेम्ब्रेनस कौन है? तो नॉन मेम्ब्रेनस में आपको आपको एग्जांपल कौन होगा? राइबोसोम। राइबोसोम क्या हो जाएगा? नॉन मेम्ब्रेनस। उसके अलावा आपके पास डबल सिंगल मेम्ब्रेनस कौन हुआ? तो सिंगल मेम्ब्रेनस अब जितने भी बाकी बचे हुए हैं सारे के सारे सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं। तो मैं यह लिख दे रहा हूं बाकी बचे सब सारे के सारे कैसे हो गए? सिंगल वाले। तो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स दोनों सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। बोथ आर द पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, बिल्कुल, क्योंकि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आपको पता है 4 सेल ऑर्गेनेल आते हैं। एंडो मेम्ब्रेन में कितने सेल ऑर्गेनेल आते हैं? 4। एक कौन हो गया? ER, दूसरा हो गया गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तीसरा हो गया लाइसोसोम है ना, और चौथा क्या हो गया आपके पास? वैक्यूल। तो ये उसमें अभी आ गया। बोथ आर द डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, गलत बात, ये दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। बोथ आर एब्सेंट इन पीपीएलओ, पीपीएलओ आपके पास प्रोकैरियोट है और प्रोकैरियोट आपके पास मेंबर है माइकोप्लाज्मा का और प्रोकैरियोट में कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता नहीं है। तो ये भी बात सही है। तो गलत बात आपके पास थर्ड निकल कर आ गई 177 का। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ टाइप ऑफ अमीनो एसिड, इसमें से कौन अमीनो एसिड का टाइप है? तो एडिनाइलिक एसिड। तो एडिनाइलिक एसिड आपके पास अमीनो एसिड तो नहीं है, ये न्यूक्लियोटाइड है। क्या है बेटा? न्यूक्लियोटाइड। अरेकिडोनिक एसिड, ये फैटी एसिड है। कैसा है? फैटी एसिड। और आपको याद आ जाए तो ऐसा है फैटी एसिड जिसमें 20 कार्बन है ना। और आपको ये भी पता है ये होता है पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें टोटल अनसेचुरेशन के नंबर कितने हैं? अनसेचुरेशन के नंबर अगर पूछे जाएं तो अनसेचुरेशन के नंबर होते हैं 4। ग्लूटामिक एसिड, यस ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, ये एसिडिक अमीनो एसिड है।
क्या है? टेसिडिक अमीनो एसिड। और आपके पास पामिटिक एसिड, ये फैटी एसिड है। कैसा एसिड है? फैटी एसिड। और फैटी एसिड में भी कौन सा फैटी एसिड है? तो कहा जाता है कि तुम सैचुरेटेड फैटी एसिड हो, सैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें कार्बन की संख्या इंक्लूड करके बता रहा हूं कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितनी होती है, 16। ठीक है, तो जवाब क्या आ गया? थर्ड। अगला बताना। आप ये वाला फोटो देखिए, लिखा हुआ है सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन डायग्राम। क्या आपको पता है कि ये मैं बात कर रहा हूं लंग्स की, ये वाली बात कर रही है बॉडी टिश्यू की, और ये जो बीच में बात कर रहे हैं हार्ट की। तो आपको ये बात बतानी है, क्या बताओगे? तो मैं आपसे कहूंगा ये बताइए कि हार्ट से प्योर ब्लड लेकर, सॉरी लंग से प्योर ब्लड लेकर कौन निकलता है? तो लंग से प्योर ब्लड लेकर जो निकलती है उसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी पल्मोनरी वेन। ऑल वेन कैरीज इम्प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। और ए क्या हो गया? ए हो गई पल्मोनरी आर्टरी, और ये एक्सेप्शन में है। ऑल आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, समझ पाए? और सी क्या हो गया? सी हो गया डॉर्सल अयोटा, डॉर्सल अयोटा हो गया, जो कैरी करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी टिश्यू फ्रॉम द हार्ट, है ना। और डी क्या हो गया? डी हो गया वीना कावा, वीना कावा। और वीना कावा कैसा ब्लड कैरी करेगा? डीऑक्सीजनेटेड फ्रॉम द बॉडी टिश्यू और जाएगा टू द हार्ट, है ना। और वो भी कौन से चैम्बर में? राइट ऑरिकल में। तो आपको बताना है ए, ए पल्मोनरी वेन है गलत, बी पल्मोनरी आर्टरी है गलत, सी पल्मोनरी आर्टरी है गलत, डी वीना कावा है। आंसर 4 हो गया, है ना। आगे, इन ह्यूमन बॉडी ऑन विच साइट द, मतलब ह्यूमन बॉडी में साइट बताना है PO2 का लेवल जहां पर 104 mm of Hg होता हो। तो आपको यह बात पता है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी आपके पास कैसा ब्लड कैरी करती है? अभी हमने बताया इम्प्योर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इसमें होगा 40 mm of Hg। आपको सिस्टेमिक वेन, इसमें भी पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम होगा, CO2 ज्यादा होगा, कितना होगा? 40 mm of Hg। बॉडी टिश्यू, ये भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? यहां पर भी 40 mm of Hg, लेकिन एल्वोलाई में ये वैल्यू क्या होगी? 104 mm of Hg। आंसर 4 हो गया। तो आपको बताना है एटमॉस्फेरिक एयर में कितनी होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में कितनी होती है, फिर एल्वोलाई में आपको यहां पर पूछा गया था, फिर आपको बताना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी होगी। तो एटमॉस्फेयर में होती है 159 mm of Hg। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, है ना। और एल्वोलाई में कितनी होगी? 104 mm of Hg। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी होगी? 95 mm of Hg। तो आंसर आपके पास 4 बन जाएगा इसका भी। आगे देखिए, इक्वेशन आपके पास लिखा हुआ है LT बराबर L0 प्लस RT। तो आपने ये इक्वेशन सुनी है कि नहीं? प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में दो तरह के ग्रोथ आपके पास रेट दिए गए थे, एक अर्थमैटिक ग्रोथ, एक अर्थमैटिक ग्रोथ और एक जियोमेट्रिक ग्रोथ। याद आया कि नहीं? एक अर्थमैटिक और एक जियोमेट्रिक ग्रोथ। तो आपको ये बात बतानी है कि अर्थमैटिक ग्रोथ में R का मतलब पूछ रहा है, तो R का मतलब ग्रोथ रेट है, बिल्कुल है, और एलोंगेशन पर यूनिट टाइम है, ये नेचुरल लॉगरिथम नहीं है। आंसर 4 नहीं हो जाएगा इजली। प्लांट में लेंथ के लिए यही इक्वेशन तो आती है, LT बराबर L0 प्लस RT। और अगर एरिया वाली बात करोगे, आपको वॉल्यूम की बात करनी है, आपको हाइट की बात करनी है, है ना, आपको इसके अलावा वेट की बात करनी है, तो आपने इक्वेशन सुना होगा WT बराबर W0 e की पावर RT। ये वाला इक्वेशन आपने सुना होगा, सुना है कि नहीं? तो ये आपके पास जियोमेट्रिक ग्रोथ हो गई। आगे देखिए, अगला लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रिलेटेड विद प्रोफेज वन।
इसमें से कौन सा ऐसा काम है जो प्रोफेज वन से रिलेटेड नहीं है? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, यह बनता है जाइगोटीन में, जहां पर साइनेप्सिस होती है वहीं पर साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है। जाइगोटीन इज द पार्ट ऑफ प्रोफेज वन है। चियाजमेटा, ये डिप्लोटीन की बात है, डिप्लोटीन में भी चियाजमेटा बनते हैं और ये प्रोफेज वन की बात है, ठीक है। रिकॉम्बिनेज एंजाइम की एक्टिविटी आपको वहां दिखाई देगी जहां क्रॉसिंग ओवर होगा, पैकाइटीन में, ये भी आपके पास प्रोफेज वन का पार्ट है। लेकिन स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, ये प्रोफेज वन की बात नहीं है, या तो ये बात आप लिख सकते हो प्रोफेज की है या फिर प्रोफेज टू की है, प्रोफेज नहीं, एनाफेज, ये बात है कहां की, एनाफेज की, एनाफेज की या फिर एनाफेज टू की, ये बात याद रखिएगा। तो आपके पास आंसर क्या बनेगा, फोर बनेगा, यस और नो। आगे लिखा हुआ एज द सीड मैच्योर्स, जब सीड मैच्योर होता है एंड एंटर द स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी, मैच्योरेशन के दौरान आपने सुना होगा कि 10-15% ड्राई वेट हो जाता है, ड्राई हो जाता है 10-15% अपने मोलर मास से, तो आपसे कहे वाटर कंटेंट रिड्यूस हो जाता है, सही है, सीड बिकम रिलेटिवली ड्राई हो जाता है, ये भी सही है, और उस दौरान मेटाबॉलिक एक्टिविटी को एम्ब्रियो की स्लो डाउन कर जाती है और आपके पास अनदर फेवरेबल कंडीशन का इंतजार करता है, फिर वही ऑक्सीजन और आपके पास न्यूट्रिएंट्स और वाटर एंटर करेगा, सीड मैच्योर होगा, जर्मिनेट होगा। ये आपके पास डॉर्मेंसी है और इस डॉर्मेंसी को कराने के लिए कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की जरूरत है, तो वो होता है एबीए, है ना। अगला लिखा हुआ अक्रेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड, तो भाई साफ साफ लग रहा है मोर देन वन एम्ब्रियो अगर किसी सीड में पाया जाए तो इस कंडीशन को हम पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पॉली एम्ब्रियोनी, और पॉली एम्ब्रियोनी आर सीन इन मैंगो, याद आया नहीं, सिट्रस, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है। आपको पार्थिनोकार्पी का मतलब क्या होता है, पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फर्टिलाइजेशन का मतलब ट्रिपल फ्यूजन से हम कह सकते हैं, जब सेकेंडरी न्यूक्लियस से या दो पोलर न्यूक्लियाई से मेल गैमेट फ्यूज होता है, तो ये भी आपका पॉली एम्ब्रियोनी नहीं लिखा है, मोर देन वन एम्ब्रियो, और पॉली एम्ब्रियोनी यहाँ पे आंसर सही होगा, सिनगैमी का मतलब जब मेल गैमेट एग से फ्यूज करेगा तब की बात है। आंसर आपके पास क्या बनेगा, थर्ड। चलिए अगला हमारे पास 184 के बाद 185, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, बोथ एड्स एंड हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन आर क्रोनिक, क्रोनिक का मतलब होता है लॉन्ग एक्सपोजर के बाद और उसके बाद वो अल्टीमेटली फेटल हो जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है, ये क्रोनिक डिसऑर्डर है और अल्टीमेटली फेटल भी है। आपके पास बोथ एड्स और हेपेटाइटिस बी कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और इन्फेक्टेड ब्लड, बिल्कुल बात सही है, ये आपके सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और इन्फेक्टेड ब्लड से फैल सकता है। आंसर आपके पास क्या होगा, फोर हो गया, दोनों बातें सही। अगला बताएं, द इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज आर मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ रेकलेस बिहेवियर, वैंडलिज्म एंड वायलेशन। तो आपको पता है कि जब भी कोई ड्रग और एल्कोहल अब्यूज करने लगता है तो उसका इमीडिएट इफेक्ट ये देखने को मिलता है कि वो अपना मतलब गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, मतलब बर्बरता और लड़ाई झगड़ा करने लगेगा, ये आपको देखने को मिलेगा, सही है। फिर लिख रहा है विड्रॉल सिम्टम, जब भी विड्रॉल सिम्टोम्स आएंगे, मतलब विड्रॉल सिम्टम्स का मतलब ये है कि अब वो अल्कोहल या ड्रग के मिसयूज पर या फिर अब्यूज पर डिपेंडेंट हो गया है, और जब भी डिपेंडेंसी वाली कंडीशन होती है तो जब अगर वो नशा उसे ना मिले तो उस दौरान क्या होगा, उसमें विड्रॉल सिम्टम्स दिखाई देंगे, और देखा हुआ है करेक्टराइज बाई एंजाइटी, एंजाइटी होगी, शकीनेस होगा, हाथ पैर कांपेंगे, नोजियास, आपका जी मचलाएगा, पसीना फेंकेगा, और अगर इस दौरान अगर उसे वो दे दिया जाए तो हो सकता है वो नॉर्मल भी हो जाए, तो ये बात भी सही है, तो आंसर आपके पास फोर बन जाएगा, 186 फोर। आगे देखिए, द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल आर इफेक्टिवली यूज फॉर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, बिल्कुल लोकोमोशन और मूवमेंट के लिए
मसल की कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी जरूरी होती है। अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स ना करे तो भाई ना मूवमेंट कर सकते हैं और ना लोकोमोशन। तो ये बात आपके पास ह्यूमन के लिए भी सही है और अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए भी। साइटोस्केलेटन एलिमेंट लाइक माइक्रोफिलामेंट आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन हेमीवॉइड मूवमेंट। बिल्कुल माइक्रोफिलामेंट आपके इन्वॉल्व होंगे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट में, याद आया कि नहीं? तो साइक्लोसिस में हेल्प करते हैं आपके माइक्रोफिलामेंट, बिल्कुल हेल्प करेंगे। और साइटोस्केलेटन एलिमेंट में कौन कौन आते हैं? माइक्रोटिब्यूल्स आते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स आते हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी आते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी आते हैं। समझ पाए कि नहीं? दोनों स्टेटमेंट सही, आंसर 4 बनेगा। आंसर क्या बनेगा? 4। आगे हमारे पास लिखा है ईच एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक जी एक्टिन। कह रहे हैं कि पॉलीमर है एफ एक्टिन जी एक्टिन का, तो बिल्कुल बात सही लिखी है। जी एक्टिन ग्लोबुलर एक्टिन को पहले फाइब्रस एक्टिन में बदला जाता है और इसके लिए मैग्नीशियम आयन की जरूरत भी पड़ती है, तो ये बात सही है। फिर लिखा अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मीरोमायोसिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ ट्रोपोमायोसिन। गलत बात, यहां पर अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मीरोमायोसिन नहीं, यह कॉम्प्लेक्स ऑफ ट्रोपोनिन होना चाहिए। यहां पर क्या होना चाहिए? कॉम्प्लेक्स ऑफ ट्रोपोनिन, इसलिए ये वाली बात गलत है। तो इसका मतलब पहला सही दूसरा गलत। आंसर क्या सेकेंड नहीं बना है? आंसर क्या बन जाएगा? सेकेंड। अगला बताइए, लिखा हुआ मसल फाइबर इज अ सिंसाइशियम। जो मसल फाइबर होते हैं वो सिंसाइशियम, और कौन से मसल फाइबर सिंसाइशियम है? तो स्केलेटल मसल फाइबर। स्केलेटल मसल फाइबर, मसल फाइबर जो है सिंसाइशियम, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड। सिंसाइशियम का मतलब क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन्स ओनली वन, बिल्कुल गलत, ओनली वन न्यूक्लियाई नहीं, मोर देन वन न्यूक्लियाई, गलत बात हो गई। फिर बाद में आप देखिए लिखा हुआ ईच मायोफाइब्रिल हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड। तो मायोफाइब्रिल पर अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड पाए जाते हैं, तभी आपको वहां पर बैंड्स दिखाई देते हैं, याद आया कि नहीं? तो आपके पास पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा सही है। आंसर 189 का थर्ड बनेगा। आंसर 189 का क्या बना है? थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 190। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, लिखा हुआ एल्कोहलिक फर्मेंटेशन ईस्ट पॉइजन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ईस्ट के लिए पॉइजन कब हो जाता है? जब उसकी डेथ होने लग जाती है, जब एल्कोहल का कंसंट्रेशन पहुंच जाता है 33%, बिल्कुल गलत, 13% एल्कोहल बन जाता है। तो भाई आपके पास वो एल्कोहल की कंसंट्रेशन ईस्ट के लिए हजार्डस और ईस्ट के लिए क्या हो जाती है? वो पॉइजन कहलाती है। आपके पास ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। लिखा हुआ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल मोर कॉमनली कॉल्ड क्रैब साइकिल, सही है, और इसे साइंटिस्ट हेंस क्रैब ने ढूंढा था, और बात ये पूरी सही है ना। तो आपके पास स्टेटमेंट फर्स्ट गलत, दूसरा सही, और ऐसा काम है तो आंसर क्या बनेगा? 190 का थर्ड। एक सेकेंड, 190 का थर्ड हुआ कि नहीं बेटा, बोलिए। 190 का थर्ड सही है। अगला बताइए, लिखा हुआ इनकरेक्ट मैच बताना है ईटीएस और माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड। अरे वाह, लिखा हुआ कॉम्प्लेक्स वन एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेज, सही बात है, यहीं से एनएडीएच टू एंटर करता है, यहीं से क्या एंटर करता है? एनएडीएच टू। फिर लिखा है कॉम्प्लेक्स टू सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, ये भी सही है, यहां से क्या एंटर करता है? एफएडीएच टू। कॉम्प्लेक्स 5 एटीपी सिंथेज, ये भी बात सही है, लेकिन कॉम्प्लेक्स 4 एटीपी सिंथेज नहीं होता, कॉम्प्लेक्स 4 होता है आपके पास साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज और फिर साइटोक्रोम ए एंड ए 3 और दो कॉपर सेंटर, ये मिलकर बनाते हैं कॉम्प्लेक्स 4, है ना। और जबकि कॉम्प्लेक्स ये क्या हो गया? ये हो गया कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 4। और कॉम्प्लेक्स 3 क्या हो गया? तो कॉम्प्लेक्स 3 अगर तुमसे पूछा जाए तो कॉम्प्लेक्स 3 क्या होगा? तो होगा साइटोक्रोम BC1। साइटोक्रोम BC1 इज द कॉम्प्लेक्स 3। यस और नो? तो आंसर इसका क्या आ जाएगा बेटा, बोलो? आंसर इसका 4 नहीं आ गया, गलत बात छट गई। आगे
Which of the following enzyme are not involved in photosynthesis? कौन सा एंजाइम ऐसा है जो photosynthesis में इन्वॉल्व नहीं होता? Rubisco बिल्कुल होता है, Rubisco बिल्कुल होता है, Peptase भी होता है, आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं होता, कार्बोनिक एनहाइड्रेज का photosynthesis में कोई रोल नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। अगला क्वेश्चन बताएं। लिखा हुआ है कि द केमी ऑस्मोटिस रिक्वायर्स, तो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस किसने दी ये बताइए। सबसे पहले इसकी बात करी जाए तो इसे मिशेल ने दी। दूसरी बात, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की तुमसे बात की जाए तो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में क्या बताया गया है वो बताते हैं कि एटीपी की सिंथेसिस कैसे होती है। फिर उसका रीजन क्या बताया, उन्होंने रीजन ये बताया था कि एटीपी की सिंथेसिस होती है प्रोटॉन के ग्रेडियंट के डेवलप हो जाने से, प्रोटॉन का ग्रेडियंट डेवलप हो जाना, प्रोटॉन का ग्रेडियंट डेवलप हो जाने की वजह से, और वो भी किसके अक्रॉस, अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया में है तो अक्रॉस दी इनर मेम्ब्रेन, अक्रॉस दी इनर मेम्ब्रेन, और अगर वो क्लोरोप्लास्ट है तो अक्रॉस दी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, अक्रॉस दी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। इतनी बात आपको समझनी है। तो केमी ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस में क्या क्या रिक्वायर्ड है? प्रोटॉन पंप चाहिए, बिल्कुल चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, बिल्कुल चाहिए, और मेम्ब्रेन तो चाहिए ही चाहिए। आंसर ऑल हो जाएगा 193। अगला, विच इज द सिम्टम ऑफ ग्रेव्स डिजीज? ग्रेव्स डिजीज के लिए आप याद रखना, इसी को हम कहते हैं एक्सोप्थैल्मिक गोइटर। क्या कहते हैं बेटा? एक्सोप्थैल्मिक गोइटर। और ये ग्वाइटर होता कैसे है? ये होता है हाइपरथायरॉयडिज्म से, जब थायरॉयड ग्लैंड का सिक्रीशन बढ़ जाए, और अगर हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाए तो बीएमआर बढ़ जाता है, वेट लॉस होता है, हाई वॉल बाहर दिखाई देती है, स्किन मतलब पफी हो जाती और आंखें डार्क हो जाती हैं और बाहर की तरफ निकली, ऐसा लगता है कि ये इंसान डायरेक्ट कब्रिस्तान से उठकर आया है, इसी वजह से उसे हम ग्रेव्स डिजीज कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं? आगे चलते हैं। देखिए अगले स्टेटमेंट्स लिखा, गैस्ट्रिन एक्ट एज गैस्ट्रिक ग्लैंड, सही है। गैस्ट्रिन हार्मोन जो जी सेल से निकलता है वो काम करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड पर, कह रहे इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ एचसीएल एंड पेप्सिनोजन, तो ये बात यहां से गलत हो जाती है, ये इनहिबिट नहीं करता, स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट करता है एचसीएल और पेप्सिनोजन को, आपके मतलब सिक्रीशन को, तो ये वाली बात गलत हो गई। और फिर लिखा है गैस्ट्रो इन मतलब जीआईपी स्टिमुलेट कर रहा है गैस्ट्रिक सिक्रीशन को एंड मोर्टेलिटी को, और यहां पर ये वाली बात गलत हो गई। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड ये स्टिमुलेट नहीं करता, ये इनहिबिट करता है, इनहिबिट करता है, दैट्स वाई ये वाली बात गलत, दोनों स्टेटमेंट गलत है, आंसर फर्स्ट बनना चाहिए। 195 का क्या हो जाएगा? 1। अगला बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ वेक्टर फॉर डिजीज? इसमें वेक्टर की बात करना, हेडीज मॉस्क्यूटो वेक्टर है, बिल्कुल है, किसका है? डेंगू और चिकनगुनिया का वेक्टर है, डेंगू और चिकनगुनिया का वेक्टर यही है। फिर एनाफिलीज मॉस्क्यूटो मलेरिया का वेक्टर है, और क्यूलेक्स किसका है? फाइलेरिया का, फाइलेरिया का है। आपके पास ये सारे के सारे वेक्टर है, आंसर ऑल हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टेपल इज प्रेजेंट, मतलब इसमें कौन सा प्लांट ऐसा है जिसमें टेपल प्रेजेंट है? टेपल इज द यूनिट ऑफ, ये यूनिट है किसकी? यूनिट ऑफ पेरियंथ, और पेरियंथ किसमें देखने को मिलता है? आपके मोनोकॉट्स में, और मोनोकॉट्स में आपके पास दो फैमिली है, ग्रामिनी और दूसरी लिलिएसी, तो आपको आंसर ढूंढना है, ढूंढ लोगे कि नहीं? देखो मेज भी ग्रामिनी का, राइस भी है, वीट भी है, आंसर ऑल नहीं हो गया, सारे ग्रामिनी के मेंबर दे दिए गए। 198, आपको ये फ्लोरल डायग्राम देखना है, और यहाँ पर आपको समझना है कि ये कौन सा फ्लोरल डायग्राम किस फैमिली का है। तो ये मैं पहले एलिमिनेटेड मैटर देखता हूं, तो यहां पर क्रूसीफेरी की बात नहीं है, टेट्रामेरस कंडीशन देखने को नहीं मिल रही, कंपोजिटी में रे और डिस्क फ्लोरेट देखने को नहीं मिल रहे, यहां पर आपको मालवेसी के हिसाब से हैप्पी कैलेक्स वगैरह देखने को यहां पर नहीं मिल रहे, तो आपको यहां पर आंसर तो मिमोसॉइडी हो गया, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है,
आपको कैलेक्स भी 5 है और कोरोला भी 5 है, और एंड्रूशियम की बात करी जाए तो इसके नंबर 5 से लेकर इनफाइनाइट तक वेरी करते हैं। मोनोकार्पलरी ओवरी है, सुपीरियर है। तो ये आपके पास सब फैमिली है किसकी, ये है मिमोसॉइडी, और मिमोसॉइडी इज द सब फैमिली ऑफ लेग्यूमिनोसी। और लेग्यूमिनोसी में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये आपके पास मिमोसॉइडी है। इसका एग्जाम्पल चलो बता दें, एग्जाम्पल क्या है आपको याद रखना पड़ेगा, मिमोसा प्यूडिका, जिसे हम कहते हैं टच मी नॉट प्लांट, या फिर हिंदी में आप कहते हैं लाज बनती, या फिर कहते हैं छुई मुई। आगे चलिए, आंसर इसका समझ गए थे ना, आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे, ये गिवन डायग्राम किससे रिलेटेड है, कौन सी फैमिली है? तो भाई साहब जल्दबाजी में गलती मत करना, पहले तो पहचान लो ये कैरेट है ना, डॉक्कस कैरोटा। और ये कैरेट की फैमिली क्या होती, तो कैरेट की फैमिली यहां पर मालवेसी, मालवेसी नहीं है, फेबेसी नहीं है, पोएसी नहीं है, हालांकि क्रूसीफेरी तुम समझ लोगे, हालांकि क्रूसीफेरी भी नहीं होती, इसकी फैमिली होती है एपिएसी, है ना। एपिएसी कम्स अंडर अम्बलीफेरी, मतलब धनिया वाली फैमिली में भी आ जाता है ये। तो हमने आपसे कहा कैरेट जो है वो एपिएसी फैमिली का है, ठीक है। तो आपके पास यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहां पर नन कर लेना, यहां पर नन कर लेना, तो आपको समझ आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपके पास नन सही हो जाएगा। समझ पाए? आगे देखिए, हाउ मैनी आर नॉट फीचर ऑफ मस्टर्ड, मस्टर्ड का कौन सा इसमें फीचर नहीं है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन मस्टर्ड में है या नहीं, तो बताओ ट्विस्टेड एस्टिवेशन किस में पाया जाता है। तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन आपको पास चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन, यहां पर चाइना रोज में होगा, लेडी फिंगर और कॉटन। अपोजिट फिल्लोटैक्सी, अपोजिट फिल्लोटैक्सी आपको देखने को मिलेगा किसमें, कैलोट्रोपिस में, कैलोट्रोपिस एंड उसके अलावा गुआवा में, तो यहां पर भी आपको देखने को नहीं मिला, चलो है ना। सुपीरियर ओवरी, यस। आपके पास रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस, यस और नो, यस रेसिमोस मिल जाएगा, और टेट्रामेरस कंडीशन भी मिल जाएगी। तो कितने इसमें स्टेटमेंट ऐसे हैं जो नहीं मिल रहे, तो आपको जो नहीं मिल रहे वो 2 हो गए, आंसर सेकंड बन जाएगा। आंसर क्या बन जाएगा बेटा, सेकंड बन जाएगा कि नहीं, तो आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस कहां कहां होता है, ब्रेसिकेसी में होता है, उसी का मेंबर है ना, और आपके पास फैबेसी में भी आपको रेसिमोस मिल जाएगा, उसके अलावा आपको रेसिमोस पोएसी में भी मिल जाएगा। सुपीरियर ओवरी, तो मोस्ट ऑफ दी आपकी ओवरी में मिल जाएगी, टेट्रामेरस कंडीशन, कंप्लीट फ्लावर। तो आपको 2 फीचर नहीं मिल रहे हैं जो मस्टर्ड में है, जो कि आपके पास आंसर बनेगा। तो इस तरह से आपके 200 क्वेश्चन आपको कंप्लीट हुए होंगे, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। आपका FST था आज 5 अप्रैल, FST था 44। टेस्ट देते रहिए, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।